चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है, सब लोग वापस आ गए हैं। चलिए भाई, काम शुरू करें। कुछ कुछ चीज़ें हमने जो पिछली बार छोड़ी थी, आखिरी 3 घंटे रह गए आज के। अब मैं जानता हूँ आप सुबह से पीले पड़े हो, बहुत मेहनत हो रही है, सारी बातें ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट, आप सबने अभी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, मतलब लाइफ में, लाइफ में। और इसके लिए आपको वो तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। क्या मेहनत, बहुत सारी। हजार कह रहा सर 1 घंटे का ब्रेक मत दीजिए, 20-25 मिनट बाद बोरियत तो होने लगती है। ओ मेरे हाजरा द ग्रेट, बच्चे कौन ब्रेक देना चाहता है हमसे पूछो, हम तो 1 मिनट का नहीं देना चाहते। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ पर स्टूडियो अवेलेबिलिटी इस तरह से प्लान्ड है कि बड़ी दिक्कत का काम है वो। सो देयर फोर इस वजह से 1 घंटा मैंडेटरी देना पड़ता है। और आप देखोगे कि मेरे पीछे का व्हाइट बोर्ड बदल गया है, विच मीन्स टू से कि हमने स्टूडियो बदला है। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इतना आसान नहीं है चलाना, है ना जी। वो क्या कह रहे हैं, WB सर, WB से क्या समझे, वेस्ट बंगाल। राम राम टू सर एंड ऑल प्रोटीन। रोहतक, रोहतक तुम अब आए हो, तुम पिछली बार नहीं थे क्या सुबह से। बड़ा राम राम कर रहे हो भाई, या शाम को दोबारा करते हो एक बारी राम राम। हे भगवान, WB का मतलब है वेलकम बैक। हे भगवान, इन बच्चों को ही सिखाओ, इतने शैतान बच्चे हैं। चलो भाई चलो, आगे का अपना काम बढ़ाएं। और बहुत ही संजीदा लेवल पे हमने पिछला सवाल छोड़ा था। पिछले सवाल में हमने ये अज्यूम किया था, मैं वहीं से स्टार्टिंग कर रहा हूँ जहाँ पिछले सवाल खत्म हुआ था। पिछले सवाल में पर्दा ही महल है, उसको क्या हो गया। ओ अच्छा, CPT क्लास खत्म होने के बाद स्टार्ट। हाँ जी हाजरा, हाँ अब हुई ना बात। हाँ चलो भाई चलो, समझना जरा। पिछली क्वेश्चन में, अभी जो आपने करा था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जब आपने ऑब्सोलेसेंस का प्रोविजन बनाया था, तब आपने ये अज्यूम किया था कि जो ऑब्सोलीट यूनिट होंगे वो बिकने के भी लायक नहीं है, वो तो किसी लायक नहीं है, स्क्रैप के भी नहीं लायक है। ये आपकी अजम्पशन थी। मैं अब उस अजम्पशन को रिमूव कर रहा हूं, मैं उसी कंटिन्यूएशन में, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 इटसेल्फ कंटिन्यूड। इफ वी अज्यूम दैट ऑब्सोलीट यूनिट्स शैल ऑल्सो बी सोल्ड एज स्क्रैप, अगर आप ये अज्यूम करते हो, इससे पिछले क्वेश्चन में, हाँ, रायपुर, अरे रायपुर रुको ना, नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, 15 मिनट दो, 15 मिनट दो, बस चिल मारो अभी। रायपुर जी 15 मिनट दीजिए, नया टॉपिक शुरू होने वाला है, डोंट वरी, रिलैक्स, 15 मिनट दो। फिर आप क्या करोगे, हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। फिर इन दैट केस योर न्यूमरेटर विल ऑल्सो चेंज, न्यू न्यूमरेटर क्या हो जाएगा जी, आपकी लैंडेड कॉस्ट एक्स के केस में मेरे पास निकली हुई है 4328, और वाई के केस में 9672 लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। बड़े ध्यान से अब बात समझना। अब आप 10 यूनिट जो पहले बेकार हो गए वो तो है ही सही, 39 यूनिट का जो प्रोविजन बनाया, यानी टोटल 49 यूनिट आप ऑब्सोलीट करोगे। और हर एक स्क्रैप पे कितने किलो मिल रहा है, 2 किलो, 2 रुपए के हिसाब से, तो 98 रुपीज आपके स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल से माइनस हो जाएंगे। भाई थोड़ा जूम इन कर दें बच्चों के लिए, -98 4230। धीरे धीरे वाई पे आइए, वाई के ऑलरेडी 20 यूनिट टूट चुके थे, आपने 58 का और प्रोविजन बनाया, यानी 78 टोटल स्क्रैप होंगे, 78 टोटल्स। भाई 10 तो आपने पहली हैंडलिंग में ही तोड़ दिए थे,
39 का आपने प्रोविजन बनाया, तो टोटल 49 का प्रोविजन बन गया ना, कि 49 स्क्रैप होंगे और हर एक स्क्रैप यूनिट 2 रुपए का बिक रहा है एक्स में। यहां पर हर एक स्क्रैप यूनिट 3 का बिक रहा है, इज इक्वल टू 234 9672 9438। ये आपका नया नॉर्मल कॉस्ट और आपका इफेक्टिव क्वांटिटी, वही अपना नॉर्मल आउटपुट। वो तो हमारी अभी आई ही थी, कितनी थी जी, 351, और उधर हो गई थी 522 केजी। देयरफोर इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट, बड़ा सीधा सच्चा सा हिसाब किताब है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर नॉर्मल लॉस माना जाएगा, अगर नॉर्मल लॉस माना जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से माइनस होगा, अगर एबनॉर्मल माना जाएगा तो फिर कोई माइनस माइनस नहीं होगा। इसी पे मजेदार चीजें हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। रायपुर बच्चे 15 मिनट दो हमको, हम बस पुराना टॉपिक खत्म कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाएं, कुछ भी नया नहीं है, हर चीज पुरानी है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके भाई वेट करो, भाई वेट करो, बच्चे वही देख रहे हैं, वही देख रहे हैं, बच्चों को वही दिखाओ। फटाफट से सियालदा कॉपी करो, मैं क्वेश्चन 2 कराने के लिए बड़ा आतुर हो रहा हूं। सियालदा फटाफट से डन करो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। द पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू द इंपोर्ट ऑफ सीलिंग रिंग इनवॉइस्ड बाय एबी एंड कंपनी ड्यूरिंग दिसंबर 2012 आर गिवन बिलो। कुछ आप रिंग्स मंगाते हो जो नल वल में लगती है, सीलिंग रिंग कहते हैं उसको, वो आप मंगाते हो सीधा लंदन से, 1000 पीसेस आते हैं और हर एक पीस 2 पाउंड का आता है। इसमें आप एक चीज सीखोगे जिसको बोलते हैं CIF, CIF कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है, CIF वर्सेस FOB, ये दो बातें करेंगे यहां पे। आपने 1000 पीसेस मंगाए 2 पाउंड के, अरे पर सर हम कॉस्टिंग तो इंडिया की रुपीज में करते हैं, फिर पाउंड का कैसे करेंगे? भाई कोई बात नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट भी गिवन होगा, देखना तो सही जरा नीचे। कह रहा है कस्टम ड्यूटी वॉज पेड ऑन 100% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू विच वॉज कन्वर्टेड टू इंडियन करेंसी बाय एडॉप्टिंग एन एक्सचेंज रेट ऑफ 45। कन्वर्ट कर लेंगे भाई, इतना तो हमें बेसिक रूल आता ही है। उसको पोर्ट से क्लियर कराने के लिए 1800 रुपए लग गए, जैसे तैसे पोर्ट पे क्लियर हुआ। और फिर फ्रेट, अब पोर्ट से सामान अपनी फैक्ट्री में लाना है, हमारी फैक्ट्री ठहरी गुड़गांव में, 1400 रुपए ट्रांसपोर्ट के लग गए। अब जैसे तैसे पहुंचा हमारा सामान हमारे गोडाउन में जहां पर हम थे उसको यूज करने के लिए तैयार। इट वॉज फाउंड ऑन इंस्पेक्शन दैट 1000 पीसेज ऑफ द अबव सॉरी 100 पीसेज ऑफ द अबव मटेरियल, 1000 में से 100 पीसेज टूट गए। ओ नो, हमारा तो दिल भी टूट गया। एंड देयरफॉर रिजेक्टेड, ये यूज नहीं हो सकते। सपोज करो कांच का कोई आइटम था, वो टूट गया, अब टूटा हुआ कांच थोड़ी यूज कर लोगे। और ये भी लिखा हुआ है देयर इज नो
स्क्रैप वैल्यू फॉर द रिजेक्टेड पार्ट, नो रिफंड फॉर द ब्रोकन मटेरियल वुड बी एडमिसिबल एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने फोन किया सप्लायर को, सप्लायर तुम्हारे 100 यूनिट टूट गए 1000 में से, पैसे वापस करो। कह रहे भाई साहब कोई पैसे वैसे वापस नहीं होंगे, हमने आपको 1000 यूनिट भेजे थे, शिप में टूट गए, जो टूटे आपकी जिम्मेदारी, हम पैसे वापस नहीं देंगे। द मैनेजमेंट आउट ऑफ 100 डिसाइडेड टू ट्रीट 60 पीसेज एज नॉर्मल लॉस एंड द रेस्ट 40 पीसेज एज एबनॉर्मल लॉस। द एंटायर क्वांटिटी ऑफ बचे हुए 900 पीसेज वर इशूड टू प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें ना तो स्क्रैप वैल्यू ऊपर तो मना की थी, लेकिन फिर नीचे उसको ध्यान आया, अरे नहीं नहीं स्क्रैप वैल्यू ऑफ द रिजेक्टेड यूनिट इज रुपीज 15 पर यूनिट। अच्छा तो भाई स्क्रैप वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। इधर दिखाएं भाई फटाफट से, जरा सब बच्चे देखें एक बार ये स्लाइड पे, ये लाइन काट दीजिए देर इज नो स्क्रैप वैल्यू, ये लाइन काट दीजिए देर इज अ स्क्रैप वैल्यू, देर इज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 15, देर इज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 15, है ना। रोहतक अभी आपके सवाल का जवाब देता हूं, हमसे कह रहा है भाई टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालो, दूसरा यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, ध्यान से यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, फिर हाउ द वैल्यू ऑफ 100 पीसेस जो रिजेक्ट हुए उसका कैसे ट्रीटमेंट करोगे, और चौथा सवाल हमारी कॉस्टशीट में जॉब नंबर 417 उसकी एक कॉस्टशीट बन रही थी, उस कॉस्टशीट में कुछ यूनिट गए कितने, 450, बताओ कितने का सामान लिखा जाएगा उस कॉस्ट शीट में। तो भाई ये तो बड़ी जाहिर सी बात है, ये तो बड़े जाहिर सी बात है, ये आपकी कॉस्ट शीट बन रही है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लाइन पे, ये लाइन पे बन रही है आपकी कॉस्ट शीट, ठीक है जी। हाँ जिस बुक पे स्क्रैप वैल्यू नहीं है प्लीज स्क्रैप वैल्यू ऐड कर लें 15 रुपए की। ये छोटे छोटे दो तीन चेंजेस है जो हमने पिछली बार से करे हैं, बहुत छोटे छोटे से, कोई ज्यादा बड़ी चेंजेस नहीं है। चलिए जी इस सवाल को करते हैं क्वेश्चन नंबर टू, आओ भाई आओ क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू करने से पहले या उसके साथ साथ मान लें हम आपको समझाना चाह रहे हैं टर्म्स ऑफ परचेज विद सप्लायर, FOB वर्सेस CIF, FOB इज फ्री ऑन बोर्ड कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट। कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस, इसको समझने की जरूरत है भाई। देखो भाई ये रहा जापान, और बहुत मुश्किल नहीं है समझना, और ये रहा हमारा जहाज जिसपे हमारा सामान रख के आएगा, ये सामान आ रहा है हमारा, ये जहाज का धुआं उठ रहा है, ये जहाज पानी में है, इसमें हमारा सामान है, और ये है हमारा मेरा भारत महान। मैंने ना जापान वाले सप्लायर को कहा, भाई मिस्टर जापान सप्लायर तुमसे हमने 100 के गुड्स खरीदे, अब रस्ते में मुझे फ्रेट भी पे करना है, 12 रुपए का फ्रेट है और 8 रुपए का इंश्योरेंस है, तो जब मेरे पोर्ट पे सामान पहुंचा इंडियन पोर्ट, बताना जरा टोटल वैल्यू कितनी स्पेंट कर ली मैंने अभी तक। बेटा ये बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड, बोर्ड मतलब शिप पे, मैंने 120 रुपए टोटल खर्च कर लिए, समझना मेरी बात। अब आप खड़े हो यहां पर, मैं आपसे पूछता हूं आपने कितने लोगों को ये 120 रुपए दिए, तोड़ तोड़ के कितने लोगों में ये 120 रुपए बांटे, जल्दी से बताओ ये 120 रुपए
कितने लोगों में तोड़ तोड़ के बांटे, वेरी गुड रोहतक, भुवनेश्वर एक्सीलेंट, वेरी गुड। वो कह रहे सर तीन लोगों ने, वेरी गुड, एक तो सप्लायर, दूसरा सर जिसने भाड़ा दिया फ्रेट, और तीसरा इंश्योरर। मैं तीन लोगों से डीलिंग कर रहा हूं, इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। यानी कि मेरे सप्लायर के साथ पता है क्या टर्म्स हैं, बॉस तेरा काम खत्म, तू बस सामान शिप पे चढ़ा दे, तेरा काम खत्म। सप्लायर की ड्यूटी गेट्स ओवर हियर, ड्यूटी इज ऑफ। हम सप्लायर को 100 रुपए देंगे, 100 इज द फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, रुपीज 100 इज द फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। इसका मतलब यह 100 रुपए में आपको इंडिया में नहीं मिलेगा सामान, उसके पोर्ट पे मिल जाएगा, लेकिन अभी रास्ते में बहुत बड़े 7 समुंदर है, तो फ्री ऑन बोर्ड में आपको इंश्योरेंस और फ्रेट अलग से ऐड करना पड़ेगा टू गेट अ लैंडेड कॉस्ट ऑफ 120। मैंने एक दो बार ऐसा किया, लेकिन उसके बाद ना मैं बड़ा बोर होने लगा। मैंने कहा यार छोड़ो ना, मैंने सप्लायर को फोन किया, मैंने कहा सप्लायर भाई देख ऐसा कर ले, मैं तुझे ही इकट्ठे 120 दे दूंगा, आई एम डूइंग कॉन्ट्रैक्ट विद 1 पर्सन। अब ऐसे में ये ट्रैवल और इंश्योरेंस अब कौन अरेंज कराएगा? सप्लायर। नाउ इन दैट केस कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट का मिला के ऑल कंबाइंड आपको कितने रुपए में सामान पड़ा? 120। दैट मींस 120 इज द CIF वैल्यू, FOB इज द फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू 100 रुपीज। ऑलवेज विल रिमेम्बर दैट FOB में क्या दो चीजें ऐड करूं कि CIF बन जाए, जल्दी से तो बताना। FOB में क्या दो चीजें ऐड करूं कि CIF बन जाए, बताओ। ये भी कोई कहने वाली बात है? अभी सर आप कैसी बातें करते हो, ट्रैवल यानी कि फ्रेट और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऐड कर लोगे तो CIF बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है भाई। 100 रुपए में आपने ट्रैवल यानी 12 रुपए और 8 यानी इंश्योरेंस 120। ठीक है जी, तो आप लोगों के लिए टेक अवे क्या है, स्टार मार्क करके लिखें, डू नॉट एड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट चार्जेस टू CIF, डू नॉट एड इंटरनेशनल इंश्योरेंस चार्जेस टू CIF प्राइस। अगर CIF गिवन है जैसा कि मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है 2 पाउंड का, तो मुझे वो सामान इंडियन पोर्ट पे मिला, मुझे वो सामान इंडियन पोर्ट पे मिला। और अगर FOB होता तो वो मुझे सामान इंटरनेशनल पोर्ट पे मिलता। इन दैट केस फिर मुझे उसमें इंटरनेशनल फ्रेट और इंश्योरेंस करना पड़ता। सर इज देयर अ पर्टिकुलर रीजन आपने यहां पर इंटरनेशनल वर्ड जोड़ा है? जी हाँ, देर इज अ पर्टिकुलर रीजन कि मैंने यहां पर इंटरनेशनल वर्ड जोड़ा है, वो इसलिए बिकॉज CIF वैल्यू इज द वैल्यू एट इंडियन पोर्ट, बट वी नीड टू ब्रिंग इट टू आवर स्टोर इन फैक्ट्री, देयरफोर डोमेस्टिक ट्रैवल एंड इंश्योरेंस मे स्टिल बी रिक्वायर्ड। भाई साहब CIF का मतलब ये नहीं होता कि आपके घर पहुंच गया सामान, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि इंडियन पोर्ट पे पहुंचा, इसका मतलब आपने इंटरनेशनल पैसे ऐड नहीं करने। लेकिन डोमेस्टिक तो अभी लगेगा ही, आपकी इंडिया में फैक्ट्री इस कोने में थी, पोर्ट आपका बहुत दूर है, तो भैया इंडिया में फैक्ट्री
और पोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, अब यहाँ पर बंबई में उतरता है सामान, अब किसी की गुड़गांव में फैक्ट्री हो तो बंबई से गुड़गांव तो उसको डोमेस्टिक तो खर्च करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गई ना वैल्यू? हाँ सर, ये बात क्लियर है, अब हम बड़े बच्चे हो चुके हैं, फटाफट से मुझे डन लिख के भेजें, क्लियर लिख के भेजें। चलिए जी, वेरी गुड, हाजरा का आ गया, सुंदर भैया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर टू, पेज 244, हम बात कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ लैंडेड कॉस्ट की। हम ये बताना चाह रहे हैं कि कितने का टोटल सामान पड़ा, सिर्फ परचेज वैल्यू नहीं, सिर्फ परचेज वैल्यू नहीं, पहला खर्चा परचेज CIF 1000 इंटू 2 पाउंड। सर ये वैल्यू तो पाउंड में आ गई, ये वैल्यू तो पाउंड में आ गई, इधर इधर जूम इन कर दीजिए, ये वैल्यू तो, अच्छा अच्छा रोहतक कह रहे फुल स्क्रीन, ठीक है ठीक है, ये वैल्यू तो पाउंड में आ गई। अरे कोई बात नहीं, 45 पे कन्वर्ट कर लेंगे, 1 पाउंड 45 का, तो आपकी ये हो गई जी 90,000। अभी तो सिर्फ हमारे पोर्ट पे पहुंचा है, अभी ड्यूटी व्यूटी पे नहीं हुई। हाँ सियालदा, ड्यूटी अभी CIF के ओवर एंड अबव है, इंपोर्ट ड्यूटी 100% ऑफ 90,000, बड़ी भारी ड्यूटी थी भाई, लिखा है 100% ड्यूटी, 100% ऑफ इनवॉइस वैल्यू, यानी CIF में सिर्फ बेसिक कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट, नो ड्यूटी, नो ड्यूटी। चलिए जी, पॉइंट नंबर 3, ये हो गया हमारा, वापस इधर जूम इन कर देते हैं, क्लियरिंग चार्जेस, कितना पोर्ट से क्लियर करने में लगा, 1800 रायपुर। बेटा जी आप मेरे साथ साथ लिख तो रहे हो ना, मैं जानता हूं आप पूरा नहीं समझ रहे लेकिन थोड़ा तो लिख रहे हो, प्लीज कंटिन्यू, आपने मिस नहीं करना। फ्रेट चार्जेस, अब ये जरूर, ये फ्रेट चार्जेस कहां से कहां तक के होंगे, वो तो ऑलरेडी CIF है, फिर हम फ्रेट चार्जेस क्यों दोबारा ऐड कर रहे हैं, जल्दी से तो बताओ, हम दोबारा फ्रेट चार्जेस क्यों ऐड कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा सियालदा ने बताया आंसर, कह रहे सर ये पोर्ट से लेके हमारे स्टोर फैक्ट्री तक के होंगे, ये डोमेस्टिक वाले हैं, वो ऊपर इंटरनेशनल है। ओ यस यस, सॉरी सॉरी मैं तो भूल ही गया। तो जी आपकी ये टोटल लैंडेड कॉस्ट आ गई 3,232, ये आपकी लैंडेड कॉस्ट हो गई। और चलो भाई हमें निकालना है इफेक्टिव इश्यू प्राइस, अभी निकाल देते हैं इफेक्टिव इश्यू प्राइस इज इक्वल टू, प्लीज फॉर्मूला लिखने की हैबिट डालें, लैंडेड कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ NL डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट माइनस NL क्वांटिटी 183,200। कितना नॉर्मल लॉस माना गया जी, 100 यूनिट टूटे लेकिन उसमें से सिर्फ 60 को नॉर्मल माना गया, 60 को नॉर्मल माना, स्क्रैप वैल्यू 15 की है, हमने क्वेश्चन ठीक करा दिया, क्वेश्चन में सेकंड लाइन में गलती से लिखा था नो स्क्रैप वैल्यू, हमने कहा नहीं नहीं भैया 15 रुपए की है स्क्रैप वैल्यू, 60 यूनिट नॉर्मल लॉस, 1000 में से 60 यूनिट नॉर्मल लॉस, हमने कहा तुम दुम दबा के भाग जाओ, तुम्हारी जो कॉस्ट है वो बाकी लोग बियर कर लेंगे, इन्फ्लेट हो जाएगा प्राइस। 193.94 रुपीज पर यूनिट,
रुपीज पर रिंग, ये रिंग आई है ना, सीलिंग रिंग्स आई हैं, एक यूनिट इफेक्टिवली आपको इतने का पड़ा। सॉल्यूशन नंबर ए टोटल लैंडेड कॉस्ट 183,200। सॉल्यूशन नंबर बी यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट का मतलब एक यूनिट की कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन, इस वैल्यू पे इश्यू भी होगा, इसी वैल्यू पे एबनॉर्मल लॉस की भी वैल्यू निकाली जाएगी। ये तो हमने पिछली बार ही लिखा था अभी, है ना जी। हाँ 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 सर। अब भाई देखो, ट्रीटमेंट ऑफ 100 यूनिट्स लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ 100 यूनिट्स लॉस, ये 100 यूनिट कैसे ट्रीट करोगे, उसमें एबनॉर्मल लॉस 40 यूनिट्स, उनकी वैल्यू 193.94। भाई कितने का एबनॉर्मल नुकसान हो गया, 7.6। मैंने कहा रोते नहीं, क्रैप वैल्यू भी है इनकी, गुस्सा नहीं करते, 40 यूनिट है, 15 का तो बिकी रहा है, भागते चोर की लंगोटी भली। कह रहे मेरा नुकसान हो गया 7.75 का। मैंने कहा चुप, कितने का नुकसान नहीं हुआ, 60 रुपए बेचेगा उसके भी तो मिल जाएंगे, 40 यूनिट है, 600 रुपए तुझे उसके भी तो मिल जाएंगे। अरे हाँ, सॉरी, तो दुखड़ा तो रोना है, लेकिन 7.157 का ये आपका नेट लॉस है, ये कहां चला जाएगा, कॉस्टिंग P&L। ये 40 यूनिट जो ओवर एंड अबव, आपको पता है एबनॉर्मल क्या होता है, ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस, ये 60 के ऊपर थे, सोचा था 60 होंगे, लेकिन वो तो उससे भी ऊपर निकले। सर और वो जो नॉर्मल लॉस ऑफ 60 यूनिट से उनका क्या करेंगे, जो नॉर्मल लॉस थे उनकी वैल्यू, हमने कहा जी इनकी वैल्यू अलग से नहीं निकाली जाती, दिस इज बॉर्न बाय गुड यूनिट्स बाय इन्फ्लेटिंग द इश्यू प्राइस। हमने कहा जी इसकी वैल्यू हम अलग से नहीं निकाल सकते, इट इज बॉर्न बाय गुड यूनिट्स बाय इशूइंग द बाय इन्फ्लेटिंग द इश्यू प्राइस। और क्योंकि इश्यू प्राइस है गोस टू कॉस्ट शीट ऑल्सो, कॉस्ट शीट में भी पहुंच जाती है, एबनॉर्मल की वैल्यू नहीं पहुंचती कॉस्ट शीट में, इसकी वैल्यू पहुंच जाती है कॉस्ट शीट में। कह रहा है जो हमारे 100 यूनिट खराब हो गए उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, हमने कहा जी देखो 40 यूनिट का तो ट्रीटमेंट ये है कि उन पे बहुत नुकसान हो गया आपको, वो कॉस्टिंग P&L में डालो, एबनॉर्मल था, सोचा नहीं था पहले कभी, स्क्रैप माइनस करके, क्योंकि स्क्रैप भी तो फायदा हुआ है, वही इतने बड़े नुकसान में छोटा सा फायदा, ने आपका नुकसान कम कर दिया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी से बताना, क्या यहां तक बात क्लियर हुई, नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट है और एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट है। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा दिखाएं, कहां है भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, कहां लिखे थे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया जी। लखनऊ बेटे बच्चे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हो, फुल बोर्ड एक बार शो कर दो, है ना जी। हाँ
फुल बोर्ड शो कर दो, जो बच्चे लेट आए उनके लिए कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। लेट आए हो क्या रोहतक तुम? तुम्हें तो पहले ही पता है तुम तो बहुत फास्ट हो। आओ भाई, सी के बाद डी लिखें। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है भाई हमारे ये कितने जो हैं, 1000 में से 900 तो ठीक है ना, 1000 में से 100 ही खराब हुए, 900 तो ठीक थे, 900 के 900 हमने प्रोडक्शन में इशू कर दिए। अब प्रोडक्शन में कोई जॉब ने उनमें से थोड़े लिए, किसी ने ज्यादा लिए, किसी ने कम लिए, एक ही काम में थोड़े लगे। ये जो 900 यूनिट थे जो हमने इंपोर्ट करे, वो थोड़े कहीं लगे, थोड़े कहीं लगे। अब एक जॉब थी 417 नंबर, उस 900 में से उसने 450 खुद बिहेवियर करे, 450 कंज्यूम करे। हाँ, तभी तो राम राम भी किया था, तो रोहतक आओ फटाफट फिर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इन जॉब 417। भाई यूनिट्स कितने पहुंचे, मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट इफेक्टिव कॉस्ट। आपने 450 यूनिट और हर एक यूनिट की कॉस्ट आपके 450 यूनिट उसने कंज्यूम करे और एक यूनिट की कॉस्ट वॉज 94। यूनिट से यूनिट कट गया, फाइनल आंसर रुपीज में। This is cost sheet में direct material consumed. फटाफट से डन करें, फिर बोर्ड दिखाएंगे बच्चों को पूरा एक बार। चलिए जी, पूरा बोर्ड दिखा दें एक बार बच्चों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलो जब तक बाकी बच्चे कॉपी कर रहे हैं जिसे जो करना है, मैं बाकी में से पूछना चाहता हूं, आपकी जेब से टोटल खर्चा कितना हुआ? आंसर बताएं जरा, आपकी जेब से टोटल खर्चा कितना हुआ? घर वालों ने आपको इतनी दूर से इसलिए भेजा, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना। आप सिर्फ लिखना सीखते हो, अब पढ़ो, एनालिसिस करो। ना ना ना, नहीं 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 नहीं, जेब से टोटल खर्चा कितना हुआ? मैं किसी जॉब की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं टोटल खर्चा कितना हुआ जेब से आपकी। रायपुर, एक्सीलेंट, वेरी गुड रायपुर। भुवनेश्वर, वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। रोहतक, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब सब बच्चे लाइन पे आए। सुंदर विहार, निर्माण विहार, सर हमारी जेब से टोटल खर्चा हुआ इतना, हमारी जेब से टोटल खर्चा हुआ इतना। जरा हम क्या बीच वाला रब कर दें, ये FOB CIF रब कर दें, एक छोटी सी रिकंसिलेशन बनानी है, क्या हम इसको रब कर सकते हैं? जल्दी से बताएं सब बच्चे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसे रब करने में? वेरी गुड, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? डन। जरा आप अब एक रिकंसिलेशन बनाना शुरू करें, आपकी जेब से पैसे लगे, हम तो ऐसे ही लर्निंग के लिए। रिकंसिलिएशन आपका 183,200 का टोटल एक्सपेंस आया, विच इज डिवाइडेड इंटू की कॉस्ट शीट में कितना गया, और जो कॉस्ट शीट में नहीं जा पाया वो कॉस्टिंग P&L में गया होगा। कॉस्टिंग P&L में एबनॉर्मल लॉस वाला पोर्शन गया होगा, नॉर्मल आउटपुट गए होंगे। चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं।
900 यूनिट थे हमारे नॉर्मल आउटपुट, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो लोगे नहीं, आपने इतना टोटल इश्यू करा होगा 193.94, और 40 × 193.94, अभी स्क्रैप को मारो गोली, स्क्रैप को मारो गोली, 7757.6, इतना एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट थी जो आपने कॉस्टिंग पी एंड एल में भेज दी। टोटल इतना खर्चा हुआ था आपका, उसमें से इतना आपने एबनॉर्मल माना, और आपने टोटल कॉस्ट शीट में कितना भेजा, 174546, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो बस वो राउंड ऑफ का एरर है, तो बस वो राउंड ऑफ का एरर आ रहा है 193.94, वो आपका राउंड ऑफ का एरर है, बाकी बाकी तो ठीक ही बैठ रहा है। ठीक है जी, ये आपकी टोटल हिसाब किताब हो गई जी, जो आपका ऊपर का जो 183,200 कितना आ गया जी, 174,546 प्लस 7758, ये आ गया आपका 182,304। ये तो आप भूल ही नहीं सकते कि आपकी स्क्रैप वैल्यू 900 रुपए की थी, आपकी रिकंसिलेशन टैली हो गई। हाँ हाँ बेटा जी, 900 रुपए की स्क्रैप वैल्यू भी तो जोड़ोगे, क्योंकि अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको ऐसे पकड़ लो, अच्छा रिकंसिलेशन बिठा रहे हैं, ऐसे पकड़ लो, इतने का एक्सपेंस था और आपको 900 रुपए वापस मिल गए, तो इफेक्टिवली देखा जाए आपका एक्सपेंस कितने का हो गया, 183,200 माइनस 900, 182,300, ये आपका टोटल एक्सपेंस हो गया। स्क्रैप तो इनफ्लो हो गया ना, उससे आपका खर्चा कम हो गया, ले जी ये 4 रुपए तो राउंडिंग ऑफ की वजह से, यानी कि इस खर्चे को आपने थोड़ा सा कॉस्टिंग पी एंड एल में भेजा और थोड़ा सा कॉस्ट शीट में रखा। ठीक हो गई जी बात, हाँ सर ये बात ठीक है। चलिए जी, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, इसमें से जॉब नंबर 417 में कितना डेबिट हो गया, ये जो टोटल खर्चा कॉस्ट शीट में आया उसमें कई सारी जॉब्स होंगी, उसमें कई सारी जॉब्स होंगी, अभी वेरी गुड, इस टोटल अमाउंट में से 87273, आपको पता है ये 900 यूनिट पे था और आपने 450 यूनिट कंज्यूम करे थे, यानी 50% सामान आपने जॉब नंबर 417 में, बाकी 50% सामान बाकियों की कॉस्ट शीट में, अदर कॉस्ट शीट्स। अल्टीमेटली जो पैसा खर्च हुआ वो कहीं ना कहीं पहुंच गया, या तो कॉस्टिंग पीएनएल में या फिर कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट कौन कौन सी में, जो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उस हिसाब से हमने रिकंसिलेशन बना लिया। ऑब्वियसली बात है, हम इसको बड़े ही एक नॉर्मल तरीके से समझ के चल रहे हैं, कुछ रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए कि कहां से आई ये वैल्यू। ठीक है जी,
ठीक है जी, चलिए भाई चलिए, ये तो रिकंसिलिएशन हमने ऐसे ही आप लोगों की ज्ञान वर्धन के लिए बना दी। अब आगे बढ़ा जाए, नया कॉन्सेप्ट शुरू किया जाए। आज का दूसरी क्लास का मुख्य तौर पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। हाँ अरे वाह रायपुर, यही तो मैं चाहता था कोई तो पूछे। रायपुर कह रहा है, बच्चों आप सब बताना। रायपुर पिछली क्लास में नहीं था इसलिए उसको पता नहीं, लेकिन आप तो थे। रायपुर पूछ रहा है, सर नॉर्मल लॉस की वैल्यू कहाँ जाएगी? रायपुर कह रहा है, सर इसमें आपने एबनॉर्मल ले लिया, नॉर्मल आउटपुट ले लिया, यानी 40 यूनिट 900 यूनिट, बाकी 60 यूनिट की वैल्यू कहाँ गई? ये पूछ रहा है रायपुर। क्या कोई बता सकता है बाकी 60 यूनिट की वैल्यू कहाँ गई? 40 900, ये तो 940 हुए, बाकी 60 यूनिट की वैल्यू कहां गई? सर इस वैल्यू में जो इन्फ्लेशन हुआ है वो इन्फ्लेशन इस 60 यूनिट की वजह से ही तो हुआ है। हाँ इस 60 यूनिट की वजह से ही तो हुआ है। ठीक है जी कोई बात नहीं रायपुर, वो जब आप आरटी देखेंगे क्लियर हो जाएगी बात। गुड गुड गुड, हमारे बाकी बच्चों को पता है। चलिए भाई आराम आराम से, मैं आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट शुरू करने वाला हूँ, जो कि बताऊं ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। चाहे आप सीए कर रहे हो, चाहे सीएस कर रहे हो, चाहे सीएमए कर रहे हो, चाहे एमबीए कर रहे हो, चाहे सीएफए कर रहे हो, चाहे आईएएस कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो, सर कोई तो कोर्स छोड़ दो, ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है जिसमें ये कॉन्सेप्ट ना आता हो। ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है जिसमें कॉन्सेप्ट ना आता हो। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय समथिंग कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोल? भाई मटेरियल की कंट्रोल करनी है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब, इन्वेंट्री का वैसे मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंट्स में WIP, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, तीनों का मिला के सब कुछ। इन्वेंट्री बेसिकली मीन स्टॉक, बट हियर सिंस वी आर अंडर दी इनपुट वाली साइड, रॉ मटेरियल वाली साइड, तो मेरा इन्वेंट्री का मतलब भी सिर्फ रॉ मटेरियल से है। और ये तो कंट्रोल क्या होता है आपको पता ही है, इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हाँ हाँ मेडिकल एरोस्पेस कहां से आ गया? अच्छा तो कह रहे हैं सर मेडिकल एरोस्पेस में भी आता है। सियालदा, सियालदा की पिटाई करनी पड़ेगी अभी जब 23 तारीख को आएंगे वहां। हुआ ऐसा, हमने एक स्टोर मैनेजर रखा। स्टोर मैनेजर कह रहा है, सर मैं जॉब पे तो आ जाऊंगा लेकिन मुझे करना क्या होगा? ध्यान से समझना, स्टोर मैनेजर की ने अपनी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। कह रहा सर मुझे करना क्या होगा? मैंने कहा देखो भाई मिस्टर स्टोर मैनेजर, तुम इस पूरे स्टोर के इंचार्ज हो। कह रहे ओके सर, तुम्हें हमेशा ध्यान देना है कि जब भी कोई तुमसे सामान मांगे प्रॉपर क्वांटिटी में इशू हो। कह रहे ओके सर, हमेशा ध्यान देना कि कभी भी तुम्हारी वजह से लाइन ना रुक जाए, यानी तुम्हारे पास हमेशा एडिक्वेट सामान होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए कभी। कह रहे ओके सर, और जैसा सामान मांगा जाए बिल्कुल वैसा दिया जाए। कह रहा है ओके सर, जिस प्रोपोर्शन में मांगा जाए उस प्रोपोर्शन में दिया जाए, स्टोर पे तो मिक्स वेरिएंस भी आता है। कह रहा है ओके सर, फिर कह रहा है सर क्या ये सब काम करने के लिए मैं कहीं से भी सामान खरीद लूं? मैंने कहा खरीद जहां मर्जी से लो, खरीद जहां मर्जी से लो, बस इंश्योर करना सबसे अच्छी क्वालिटी का हो और सबसे सस्ते दाम का हो। ऐसा नहीं कि आप इतना महंगा सामान खरीद लाए, आपने सामान तो इशू कर दिया लेकिन वो इतना महंगा था कि प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो गई। तो हमने स्टोर मैनेजर को कहा, देख भाई तू पहली बात समझ, तेरा काम रॉ मटेरियल का माई बाप बनना है, तू रॉ मटेरियल का माई बाप है, कल को रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई भी पंगा हुआ मैं तेरी गर्दन पकड़ूंगा। कह रहा है ओके सर, यू हैव टू इंश्योर दैट राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट ग्रेड, एट राइट टाइम, एट राइट कॉस्ट अवेलेबल हो। कितने सारे राइट हो गए ये? कह रहे सही सामान सही टाइम पे सही क्वालिटी का सही दाम पे अवेलेबल होना चाहिए, भाई स्टोर की यही जिम्मेदारी है, कोई स्टोर ने कौन सा भंगड़े करने। चलिए जी लिखना शुरू करें भाई।
इन्वेंट्री कंट्रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपका मटेरियल कॉस्टिंग एक और लेवल पे पहुंच रहा है, इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल इज द ओवरऑल प्रोग्राम अंडर विच इन्वेंट्री कंट्रोल इज द ओवरऑल प्रोग्राम अंडर विच द स्टोर मैनेजर हैज टू इंश्योर राइट क्वांटिटी राइट क्वालिटी। क्वालिटी को कई बार ग्रेड भी कहा जाता है, बेटर ग्रेड लोअर ग्रेड। एट राइट टाइम एट राइट कॉस्ट। भाई कॉस्ट कौन सी राइट होती है? जो सबसे सस्ती हो, जो सबसे सस्ती हो। आपको पता है हमारे घर में ना पिछले साल शादी हुई थी, तो हमने कहा यार हम केटरर से खाना नहीं बनवाएंगे, हम अपना हलवाई लेके आएंगे। हमने अपने मामा की ड्यूटी हलवाई के साथ लगा दी, समझना मेरी बात। अब मेरे मामा स्टोर मैनेजर बन गए। ऐसी मनगढ़ंत एग्जाम्पल ले रहा हूं, पता चला कोई मेरे मामा को जानता, कह रहे मामा जी आपके बारे में ऐसे कह रहे थे, मनगढ़ंत एग्जाम्पल है। अब मेरे मामा स्टोर मैनेजर बन गए, उनकी जॉब क्या है? लाइन पे हलवाई बैठा है, वो फिनिश्ड आउटपुट बना रहा है, और फिनिश्ड आउटपुट बनाने के लिए हलवाई बार बार कह रहा है मामा जी को, मामा जी 5 किलो दूध ले आओ, मामा जी चावल ले आओ, मामा जी पूड़ियों का आटा भेजो, मामा जी सलाद के लिए सब्जी दो। रॉ मटेरियल की रिक्विजिशन हो रही है बार बार, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, वी विल टॉक अबाउट दैट इन थ्योरी। मटेरियल रिक्विजिशन जल्दी भेजो जल्दी भेजो। उधर मामा जी एक स्टोर में बैठे हैं, उनके पास बहुत सारा सामान है, कह रहे ले बेटे ये ले जाओ, भैया जूम आउट भी कर दे, चल बेटे ये ले जाओ थोड़ा सा, चलो ये दूध ले जाओ, अच्छा चलो सब्जी ले जाओ, अच्छा फलाना ले जाओ। अब उसने हलवाई ने खीर के लिए दूध मांगा, अब आप बताओ खीर के लिए विद क्रीम दूध लगेगा कि विदाउट क्रीम दूध लगेगा? आप खुद कॉमन सेंस से बताओ, विद क्रीम लगेगा कि विदाउट क्रीम लगेगा? खुद बताओ। उसने खीर के लिए मांगा था भाई, जाहिर सी बात है भाई विद क्रीम लगेगा। मामा जी ने भेज दिया विदाउट क्रीम। लाइन मैनेजर, लाइन मैनेजर प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन नहीं देखेगा, वो तो टोटल क्वांटिटी देखेगा। हलवाई ने लिया उस दूध की बना दी खीर, खीर में किसी को टेस्ट नहीं आया, बताओ किसको डांट पड़नी चाहिए? मामा जी को कि हलवाई को? जाहिर सी बात है मामा जी को, बिकॉज अल्टीमेटली कौन सी क्वालिटी, कौन सा ग्रेड, कौन सा प्रोपोर्शन, ये सब जिम्मेदारी मामा जी की थी, हलवाई की नहीं। सो वही हमने चीज वेरियंस में भी पढ़ी थी। चलिए जी, दिस इज व्हाट इज योर इन्वेंट्री कंट्रोल। This is very important since direct material is by far the biggest, it is by far the biggest cost in the cost sheet. ये बात लिखें और जरा गौर फरमाएं, ये कहने के लिए नहीं है, ये कहने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रैक्टिकली इतना क्रिटिकल है, इतना क्रिटिकल है कि मैं क्या बताऊं, बहुत क्रिटिकल है ये प्रैक्टिकली। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी कॉस्ट शीट में, पूरी कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल सबसे क्रिटिकल और सबसे बड़ा अमाउंट होता है। अगर 200 रुपए की गाड़ी बनी ना, उसमें से 120-130 रुपए का मटेरियल होगा उसमें,
सोचो इसमें जरा भी गड़बड़ हुई तो बहुत ही नुकसान होने वाली बात है, तो नुकसान होने वाला। इसीलिए डायरेक्ट मटेरियल पे जो कंट्रोल करे, इन्वेंटरी कंट्रोल वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल। हाँ नहीं, यार तो समझो मेरी बात, हर कॉस्ट पे डिपेंड करता है प्रॉफिट, लेकिन जो सबसे बड़ी कॉस्ट है उस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है प्रॉफिट। 200 रुपए के सामान में 120 रुपए सिर्फ एक चीज के हैं, तो सोचो वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, कितनी इंपॉर्टेंट होगी वो चीज है डायरेक्ट मटेरियल। चलिए जी, फॉलोइंग आर द टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, 1, 2, 3, 4 फाइव। हाँ हाँ सुंदर यार, छोड़ो ना गप्पे, आओ जी काम की बात करें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मैनेजिंग डिफरेंट स्टॉक लेवल्स एबीसी एनालिसिस नॉट सेम एज एबीसी कॉस्टिंग। एबीसी कॉस्टिंग आप सीए फाइनल में पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो नहीं है ये एबीसी एनालिसिस, ये कुछ और है, एबीसी एनालिसिस समथिंग एल्स। रिव्यू ऑफ स्लो मूविंग पार्ट, टू बिन सिस्टम, ये कुछ कुछ चीजें हैं, पांच टेक्निक्स हैं जो आपने हमारे साथ करनी है। हर एक टेक्निक पे सवाल आ सकता है, कुछ पे थ्योरी कुछ पे प्रैक्टिकल, इन दोनों पे, इन तीनों पे एक्चुअली थ्योरी एक्सपेक्टेड है और इन दोनों पे प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग खुद ब खुद इतना इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्यों इंपॉर्टेंट है, अरे भाई उसमें इतने सारे डायरेक्ट मटेरियल की बातें होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, और उसमें भी ये पांचों बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े काम की चीजें हैं। चल सकते हैं आगे, लास्ट पॉइंट, टू बिन सिस्टम। बिन होता है ना डस्टबिन, भाई डस्टबिन रखा है क्या, कोई कागज रखने वाला कोई डस्टबिन टाइप है, यहां नहीं है डस्टबिन। बिन वॉश बेसिन क्या होता है, बिन मतलब जहां पर कोई चीज डाली जाए, डस्टबिन जैसे जैसे पेपर बिन होता है, ट्रैश बिन होता है, ऐसे ही सामान रखने के लिए बिन होता है। ड्रॉअर, उसमें दो ड्रॉअर्स होती हैं, एक नहीं दो ड्रॉअर होती है, ये रिजर्व की टंकी। हाँ हाँ अरे सियालदा, अरे तुम्हें मैं मतलब थोड़ी, ऐसे में मुझे जूम आउट करना है अपने को, ऊपर नीचे हो रहा बार बार। कोई बात नहीं, सबकी ट्रेनिंग हो रही है, उसमें क्या है, आपने इनको सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बहुत डिटेल में समझना है, बहुत डिटेल में समझना है। ठीक है जी बात, तो हम एक एक को उठाएंगे, बहुत डिटेल में बातें करेंगे। सबसे पहले ईओक्यू, जो कि मेरे आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसको प्यार से सब लोग ईओक्यू कहते हैं, इसको अगर मैं समझाऊं, मैं तो कौन सी पॉलिसी फॉलो करता हूं हमेशा, आपको तो पता है कोई भी फ्रेज जब समझ नहीं आता तो मैं कौन सी पॉलिसी फॉलो करता हूं, जरा बताओ तो सही, जल्दी से देखें जरा बच्चों को, हमारा स्टाइल अभी पता चला कि नहीं, कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए हमेशा। जब भी कुछ समझ ना आए तो हमें किसी ने कुछ सिखाया है, अंग्रेज लोगों ने हमें एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई है, कौन सी चीज सिखाई है अंग्रेजों ने हमको,
चलो जल्दी से बताओ, रायपुर राजरा क्या सिखाया अंग्रेजों ने हमको? सर अंग्रेजों ने हमको सिखाया है डिवाइड एंड रूल, जब भी कुछ समझ ना आए तो बांट देना चाहिए, तो बांट देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, फिर अलग अलग बात समझ लो, वो बेटर है। इकोनॉमिक चीपेस्ट, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब बाय एट अ टाइम, ऑर्डर का मतलब कितनी क्वांटिटी में बाय करूं, और क्वांटिटी तो पता ही है यूनिट्स। ध्यान से मेरी बात समझना, टू मीट द एनुअल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ माय फैक्ट्री, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ RM शुड वी परचेज इन वन ऑर्डर सो एज टू मिनिमाइज द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। प्लीज इसको लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमें अपनी एनुअल कंजम्पशन के लिए एक ऑर्डर में कितने यूनिट ऑफ RM खरीदे जाएं? मैं कुछ कीवर्ड्स को सर्कल कर रहा हूं। सालाना कंजम्पशन के लिए एक बार में कितना खरीदूं? उसको बोलते हैं EOQ। EOQ is that number of unit of raw material which should be purchased in one order at a time to meet the annual consumption in the best, cheapest way. अब जरा ठंड रखना अगले 15 मिनट, मैं आपको 2-3 बातें बताने वाला हूं। अगले 15 मिनट जरा ठंड रखना, जरा मुझे एक चीज बताओ, आप जब भी कोई सामान खरीदते हो उससे रिलेटेड क्या क्या कॉस्ट होती है आपकी, और ये बात आप फैक्ट्री में नहीं अपने ऊपर लेके देखो। अरे हाँ रायपुर रुको तो सही, रायपुर तुम तो सुपर एफिशिएंट हो, तुमने तो वो बात बता दी जो मैं बताता। होल्ड ऑन, टाइम आउट। मैं सोचता हूं हर घर में दाल चावल आटा तो यूज होता है, सपोज करो आपके घर में 360 किलो दाल यूज होगी पूरे साल भर में, सपोज ऐसी मैंने रैंडम नंबर ले लिया क्योंकि एक किलो एक दिन के हिसाब से, सपोज करो एक किलो एक दिन के हिसाब से आपके पास 360 किलो दाल यूज होगी पूरे साल भर में। मैं आपको पहला सवाल पूछता हूं, इस 360 किलो दाल से लेके इसकी वजह से पूरे साल भर में आपकी जेब से कौन कौन से खर्चे होंगे? पहला मैं बता देता हूं, परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट इज वन ऑफ द इन्वेंट्री कॉस्ट, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ खर्चे होंगे इस दाल से लेके। ये जो दाल है ये हमारी पॉकेट में और छेद करेगी, और कुछ कुछ नुकसान करेगी हमारा, और खर्चे होंगे, क्या क्या होगा? वेरी गुड सुंदर विहार कह रहे सर, शॉप से आने जाने का खर्चा, जितनी बार आऊंगा जाऊंगा, इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आपने दो कॉस्ट निकाल ली, पहली जो मैंने बताई, दूसरी जो सुंदर विहार ने बताई। ओए होए, तीसरी किसने बता दी? रायपुर ने, थोड़ा सा निर्माण विहार ने भी जोर लगाया। स्टोरेज कॉस्ट, जिसको अगर मैं जनरलाइज करूं, होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, उस दाल को अपने पास रखने का खर्चा। सोच के देखो, मैं 360 किलो दाल ले आया, रखूंगा कहां पे? एक स्टोर रूम चाहिए पड़ेगा,
एक स्टोर रूम चाहिए पड़ेगा, उस स्टोर रूम में भाई साहब मेरा तो है नहीं, किराया देना पड़ेगा, वो किराया नहीं लगता अगर दाल ना होती, देयरफॉर बिकॉज ऑफ दैट दाल आपका किराया लग रहा है स्टोर का, वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट रेंट। दूसरा सर 360 रुपए 360 किलो के तो पैसे लग गए, अब आखिरी किलो तो 31 दिसंबर को यूज करूंगा, सारा का सारा आज ही खरीद के बैठा हूं, यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपने जो चीज बाद में यूज करनी है उसको पहली खरीद के रख गया, भाई साहब इंटरेस्ट कॉस्ट लग गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक। ठीक है जी, और क्या क्या कॉस्ट लगेगी सर, अगर रखे रखे दाल खराब हो गई तो ऑब्सोलेसेंस, ओए हाँ ये तो सोचा ही नहीं। दूसरा सर इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, ओए होए ये भी नहीं सोचा। सर छोटी मोटी चोरियां, भाई घर में जो मेड वेड होगी वो देखेगी 360 किलो दाल रखी है, एक एक मुट्ठी रोज ले जाएगी, पता ही नहीं चलेगा भाई इतने बड़े बंडल में से थोड़ा 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 निकाल के ले जाओ, क्या पता चलता है। सपोज करो आपके सामने 10,000 न्यूज़पेपर रखे हैं, आप गए चुपके से एक निकाला और निकल गए, तो दैट इज पिलफरेज, छोटी मोटी चोरी, डाका नहीं डाला, डाका नहीं डाला आपने। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चोरी और डाके में क्या फर्क होता है, ऐसे पूछ रहा हूं जनरल नॉलेज बच्चों की, चोरी और डाके में क्या फर्क होता है। चोरी सामने वाले को बता के नहीं की जाती, डाका सामने वाले को बता के डाला जाता है। तो हम तो हमेशा कहते हैं अपने बच्चों से, कभी भी लाइफ में चोर मत बनना, अगर बुरा काम करना है तो डाकू बन के करना, बदनामी नहीं आती डाकू में, आपकी इज्जत नहीं कम होती, चोरी में आपको लगता है चल हट बिना बताए हट ची उप, डाके में वाह क्या बंदा था बोल के आया कह के लूंगा, वो वाली फीलिंग आती है डाके में। खैर चलो हम तो पिलफरेज पे थे, छोटी मोटी चोरी, ये सारे खर्चे जो मैं गिनवाता जा रहा हूं, वो आप भी लिखते जा रहे हो, सर कुछ चूहे खा जाएंगे, सर फ्रेट स्टोरेज नॉर्मल लॉस, ये सर कुछ कुछ और सारी चीजें, ये बहुत सारे आपने खर्चे लिखे, मैं इन बहुत सारी लंबी लिस्ट को 3 कैटेगरीज में बांटता हूं, 3 कैटेगरी में, आप मेरे साथ साथ चलना ठीक है जी। द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू, सबसे पहली परचेज कॉस्ट, दूसरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, और तीसरी कैरिंग होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग होल्डिंग कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट अलग अलग हैं। आप लोगों ने मुझे बड़े सारे एग्जांपल्स दिए, मैं वही एग्जांपल आप लोगों के यहाँ पे लिखना शुरू कर रहा हूं। ऑर्डरिंग कॉस्ट में किसी ने बोला सर पेट्रोल लगेगा, किसी ने बोला सर जो हम कॉल लग करेंगे ना, आजकल तो होम डिलीवरी का जमाना है, आजकल तो होम डिलीवरी का जमाना है, आप कॉल करके भी सामान मंगा सकते हो, ये कुछ कुछ बच्चों ने ऑर्डरिंग कॉस्ट बताई, कैरिंग कॉस्ट बहुत सारे बच्चों ने बताई थी, सर स्टोरेज रेंट, दूसरा पिलफरेज, छोटी मोटी चोरी, तीसरा ये बहुत बच्चों ने बताया था ऑब्सोलेसेंस यानी कि डैमेज बाय टाइम, टाइम की वजह से भी कुछ डैमेज हो जाता है, और भी बहुत सारे बच्चों ने काफी चीजें बताई थी, क्या क्या था, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, ये सारी वो कॉस्ट हैं। अरे वो तो रही गई सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारी वो कॉस्ट हैं जो आपकी तब लगेंगी जब सामान आपके पास होगा, ये सारी वो कॉस्ट हैं जो तब लगेंगी जब सामान आपके पास होगा।
सर ऑर्डरिंग कॉस्ट के एक दो और एग्जांपल दे सकते हो? हमने कहा हाँ जी, फॉलो अप कॉस्ट। ओ भैया कहाँ रह गया? बजी पहुंचा अभी। ओ भैया आया नहीं, बजी रेड लाइट पे हूँ। मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ ना उसमें, मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। इंडिया में खासकर दिल्ली में तो फॉलो अप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा जी। ये है पिलफरेज, यह पिलफरेज दिल्ली में तो बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा जिसे कहते हैं मतलब कल्चर खराब हो गया है। बंदे इतने झूठ बोलते हैं मोबाइल के चक्कर में, घर पे बैठे होंगे कहेंगे बस जी बस रेड लाइट के पास हूँ, आ रहा हूँ। ए भाई कौन सी रेड लाइट, तेरे घर वाली, मेरे घर वाली, और फोन काट देंगे। फिर दोबारा फोन करो, बस जी आया आया आया, आप बस गेट खोलो। अजीब बात है, कल यही वो मेरे साथ, मैंने अपने दोस्त को फोन किया, उसे बड़ी पास से आना था। मैंने कहा यार जब निकले तो मिस कॉल मार दियो। वो उसका मिस कॉल आया, मैंने कहा बस आने वाला होगा। मैं 10 मिनट तक घर के बाहर ही घूमता रहा। मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा कहाँ रह गया भाई? कह रहा यार तू गेट पे तो आ, मैं आया। मैंने कहा अबे पगलू मैं पिछले आधे घंटे से गेट पे खड़ा हूँ, तू कहाँ है? कह रहा बस यार निकल रहा हूँ अभी। मैंने कहा यार कमाल कर रहा, झूठ। इसको पकड़ने के लिए फॉलो अप कॉस्ट करनी पड़ती है बार 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 बार। ठीक है जी, कॉल चार्जेस, व्हाट इज कॉल चार्जेस? मैं बार बार फोन कर रहा हूँ, इसके भी तो पैसे लग रहे हैं, इसके भी तो पैसे लग रहे हैं। उसके बाद जब भी सामान आएगा मुझे इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, जब भी सामान आएगा जितनी बार भी आएगा, हर बार नया सामान आया तो इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। कितना अच्छा होता कि इकट्ठे में सारे साल का सामान मंगा लेता और एक बार में सबका इंस्पेक्शन कर देता। हाँ जी हाँ, लो जी डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस। ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आप जब ऑर्डर प्लेस करोगे तब लगती है। कैरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जब सामान आपके पास आ जाएगा वो तब लगती है। पिलफरेज का मतलब छोटी मोटी चोरी, छोटी मोटी चोरी। और परचेज कॉस्ट ये तो सबको पता है, इसमें मैं क्या बताऊं, इसमें मैं क्या बताऊं। आइए जी कुछ मोटे तौर पे दो तीन बातें लिखें ईओक्यू के बारे में। अजम्पशंस ऑफ ईओक्यू, देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट offered by supplier, therefore purchase cost remain same for all the levels of order quantity. हमने कहा भाई साहब आप चाहे एक यूनिट मंगा लो, एक किलो दाल खरीद लो, या 360 किलो इकट्ठे खरीद लो, आपका सप्लायर आपको एक रुपए की रियायत नहीं बरतेगा, एक रुपए का डिस्काउंट नहीं देगा। परचेज में आपकी परचेज कॉस्ट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। आप चाहे एक किलो मंगा लो एक बार में, चाहे 500 किलो मंगा लो, उसको फर्क नहीं पड़ता। दूसरी अजम्पशन इज नो वेरी स्मॉल लीड टाइम। व्हाट इज लीड टाइम? मतलब लीड टाइम ना के बराबर है, आप मान के चलो है ही नहीं। कौन बताएगा लीड टाइम क्या है? डोमिनोज में एक ऐड आता था ताना ना 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 दिन के पिज्जो आए हो फ्री। हाँ नहीं नहीं एवरेज टाइम नहीं बेटा जी, वो क्या था तनाना नाना दिन वाला कि भाई 30 मिनट में ऑर्डर करने से सामान पहुंचने तक 30 मिनट वेटिंग टाइम मान लो, वेटिंग टाइम मान लो। नहीं नहीं आज महंगा कल सस्ता नहीं। आप डोमिनोज से ऑर्डर करते हो तो कितने टाइम में वो गारंटी देते हैं आपके घर डिलीवर कराएंगे? 35 मिनट्स। दैट्स द लीड टाइम, द टाइम इट टेक्स बिटवीन द ऑर्डर
प्लेसमेंट एंड रिसीट ऑफ द गुड्स, रिसीट ऑफ द गुड, टाइम टू गेट द डिलीवरी, टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द ऑर्डर। तो हमारा ये ईओक्यू इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि आपका लीड टाइम जीरो है, जैसे महाभारत में होता था ना, टिश टिश टिश, अचानक से एक चीज प्रकट हो जाती थी उनके हाथ में, वो लेके दहेड़ से चला देते थे। वो कह रहे भाई ये आया कहां से, इसका लीड टाइम तो कुछ हुआ ही नहीं, ये कहां से प्रकट हो गया। वैसे एक प्राणी था रामायण में जिसका लीड टाइम जीरो था, जो कहीं से कहीं पहुंच जाता था। जल्दी से बताना वो कौन सा प्राणी था जो कहीं से कहीं पहुंच जाता था। अब कुछ पता चला, नारद मुनि। यस, वो क्या कहते थे, नारायण नारायण, इधर से गायब हुआ, टूंग 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 ऐसी आवाज आती थी और दूसरी जगह प्रकट हो जाता था। पता नहीं हम लोगों को तो बड़ी अच्छी लगती थी वो आवाजें, हमारे बचपन की आवाजें हैं। अब आप लोग भाई हनी सिंह के जमाने की हो पता नहीं। हाँ, नारद मुनि नारायण नारायण, यहां से गायब दूसरी जगह प्रकट, नो लीड टाइम, ऐसा ईओक्यू कहता है। प्रैक्टिकली गलत है, प्रैक्टिकली तो भाई साहब पड़ोस की दुकान से लाने में भी लीड टाइम होता है, कभी कभी चार चार घंटे लग जाते हैं, दिवाली वाले दिन तो जैम ही इतना होता है। खैर उसके बारे में बाद में बातें करेंगे। इधर दिखाएं भाई जरा, मैनेजिंग डिफरेंट स्टॉक लेवल्स, ये जो मैनेजिंग डिफरेंट स्टॉक लेवल है ना, वो ईओक्यू से बेटर है, क्योंकि वो लीड टाइम जीरो अज्यूम नहीं करता, वो जीरो अज्यूम नहीं करता, इसीलिए इसका फायदा है। लेकिन ईओक्यू भी बड़ा सुपर हिट है। आओ जी आओ, वापस ईओक्यू पे आओ, वापस ईओक्यू पे आओ। ईओक्यू कहता है भाई साहब आपका परचेज कॉस्ट तो जीरो रहेगी, परचेज कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, देयरफॉर नॉट इम्पोर्टेंट। भाई जो चीज बदल ही नहीं रही, जिसका कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इट इज कॉन्स्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट, देयरफॉर इग्नोर्ड। परचेज कॉस्ट, यार मैं 1 किलो सामान खरीदू चाहे 500 किलो खरीदू, जो चीज बदल ही नहीं रही वो तो इग्नोर ही होगी। साल भर में 360 किलो दाल आनी है, वो तो एनुअल कंजम्पशन है। अब एक बार में 1 किलो आए तो एक बार में इकट्ठे 360 आए, टोटल पैसे तो 360 इंटू जितने रुपए किलो की उतने लगेंगे। भाई हम तो इसको इग्नोर ही कर देंगे, हमारे लिए तो रेलेवेंट ही नहीं है। इन माय ईओक्यू माय इन्वेंटरी कॉस्ट देयरफॉर इज ओनली 2 and 3, जो बदलेगी नहीं बदलेगी, बदलेगी कम होगी ज्यादा होगी, बड़ी मजेदार होने वाला है। अब आप बताना, अब देखो जी इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया जाता है जिससे आप ग्राफ समझ पाए, मैं भी एक ग्राफ बताने वाला हूं, मैं भी एक ग्राफ बताने वाला हूं। जरा ईओक्यू के बारे में भैया मैं 5 सेकंड लगा के बता दूं। ईओक्यू का मतलब ये नहीं है कि मेरी एनुअल कंजम्पशन कम या ज्यादा हो जाएगी, मेरी बात समझना। आपके घर में 360 किलो दाल लगती है ना, उतनी ही लगेगी। हम सिर्फ ये डिसाइड करने आए हैं आज कि एक बार में खरीदो कितना, समझ रहे हैं आप मेरी बात। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट आप खाओ कम या खाओ ज्यादा। हाँ मुझे एक चीज बताओ, ज्यादा दाल आ जाएगी तो ज्यादा खा जाओगे क्या, नहीं ना, दाल तो उतनी ही खावेगी। सो देयरफॉर माय एनुअल कंजम्पशन रिमेन कॉन्स्टेंट, एंड इफ आई हैव हाँ 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 टेक इट इजी आराम आराम से आराम आराम से। हाँ हाँ अभी ठीक कर रहे हैं, अभी ठीक कर रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं। वाई वरी, टेक इट इजी, चिल आउट। ओहो
आराम आराम से सियालदा। वेट 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 बेटा जी वेट, अभी ब्रेक दे रहा हूँ, ईओक्यू कराते ही ब्रेक दे रहा हूँ, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कराएंगे, उससे पहले ब्रेक दे देंगे पक्का पक्का। भाई जरा फटाफट सब बच्चे बताएं किस किस का क्लियर हो गया। सुभाष नगर का क्लियर है, सुंदर विहार का भी क्लियर है, निर्माण विहार का भी क्लियर है, भुवनेश्वर का भी क्लियर है, और सियालदा का भी क्लियर है, नॉर्थ कैंपस भी क्लियर है। फटाफट सब बच्चे क्लियर करके भेजें फटाफट से, वेरी क्विकली। डन है, ठीक है, वापस आए फटाफट से वापस आए। हाँ हाँ अब हो गया क्लियर। चलिए जी, मैं आपको ये बता रहा था कि आपका ईओक्यू का ये मतलब नहीं है कि आपकी कंजम्पशन ऊपर नीचे हो जाए। कंजम्पशन तो आपकी 360 किलो जो दाल की है वो ही है, बस मुद्दा यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि एक बार में कितनी खरीदूं कि टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। आपने कहा सर तीन कॉस्ट होती है, खरीदने की, ऑर्डर करने की और कैरी करने की। इस पे चलो थोड़ा थोड़ा नोट लिखवाऊंगा अभी, थोड़ा थोड़ा एक छोटा सा नोट लिखवा दूंगा अभी, डोंट वरी। आपने कहा सर देखो आप एक बार में 1 किलो खरीदो चाहे एक बार में 360 इकट्ठे खरीद लो, परचेस बिल तो उतना ही रहना है। कितना बिल होगा परचेस का? सर टोटल क्वांटिटी परचेस 360 रुपए, 360 किलो मल्टीप्लाइड बाय जितना पर रुपीज है। आपने अज्यूम कर लिया कि सप्लायर आपको डिस्काउंट नहीं देता, जो कि जनरली मानना गलत है। आप किसी से 1 किलो आलू खरीदो, भैया 1 किलो आलू कितने के दिए? 20 रुपए के बहन जी। भैया ठीक रेट लगाओ, हम 5 किलो ले लेंगे। अच्छा बहन जी ऐसे करो आपको 18 लगा दूंगा, तो 20 से प्राइस 18 का हो गया ना, 10% का डिस्काउंट मिल गया। हमने वो ही चीज निल अज्यूम कर लिया, हमने कहा आप उस सब्जी वाले का पूरा ठेला खरीद लो, चाहे आप 1 आलू खरीदो वो आपको उतने का ही लगाएगा। देयरफॉर मैंने परचेज कॉस्ट तो कर दी मिनिमम। अब आप बताना भाई, टेक इट इजी, आराम आराम से। ये दो चॉइसेस देता हूं मैं एक बार में, 1 kg पर डे, 360 kgs ऑन 1st Jan। मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूं, आपकी टोटल एनुअल कंजम्पशन इज इक्वल टू 360 kgs। आपके दो रास्ते हैं आपके सामने, दो रास्ते हैं, या तो आप रोज 1-1 किलो खरीद लो, या सीधा 1 किलो एक ही दिन 360 किलो खरीद लो, फिर टंटा ही खत्म। मुझे बताओ ऑप्शन ए में आपको फायदा क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट फायदा ऑफ ऑप्शन ए। अगर आप हर दिन 1 किलो खरीदते हो आपको फायदा क्या है, जल्दी से बताइए आपको फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा सर फ्रेश सामान मिलेगा, ऑब्सोलेसेंस का कोई चक्कर नहीं, बिल्कुल। दूसरा फायदा सर पैसा ब्लॉक नहीं होगा, जो दाल मैंने 31 दिसंबर को खरीदनी है वो मैं 31 दिसंबर को ही खरीद रहा हूं, पैसा बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो रहा। भुवनेश्वर कह रहे सर स्टोर नहीं करना पड़ेगा, वेरी वेरी गुड, वेरी लो स्टोरेज कॉस्ट, या उसको हमने दूसरा नाम दिया कैरिंग कॉस्ट। लेकिन लेकिन नुकसान क्या है इसमें, नुकसान क्या है इसमें, जब 1 किलो पर डे खरीद रहे हो नुकसान क्या है? लखनऊ ने वो भी बता दिया, कह रहा है सर बार बार रोज जाऊंगा दाल खरीदने तो रोज पेट्रोल लगेगा सर, रोज इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी सर, रोज फोन करना पड़ेगा भैया कहां पहुंचे, भैया कहां पहुंचे। वेरी हाई ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आपने देखा कि अगर कम खरीदोगे तो ज्यादा बार खरीदना पड़ेगा, अगर कम खरीदोगे तो कैरिंग कॉस्ट तो कम ही आएगी। ऑन द अदर हैंड इसका फायदा इसका नुकसान, इसका नुकसान उसका फायदा। सोच के देखो मैंने एक ही बार में 360 किलो खरीद लिया, एक ही बार में 360 किलो खरीद लिया, मेरा फायदा देखो, ये जितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट है सिर्फ लाइफ में एक बार लगी, एक ही बार इंस्पेक्शन करके रख दी,
एक ही बार मैंने फोन किया, एक ही बार फॉलोअप किया, भाई एक ही बार में काम हो गया, ये फायदा। लेकिन नुकसान देखो, नुकसान देखो, ये देखो जरा, कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट, बाप रे, 360 किलो के लिए कमरा देना पड़ेगा, छोटी मोटी चोरियां होंगी, दाल पुरानी हो जाएगी, उसको इंश्योर कराना पड़ेगा, और जो दाल मैं बहुत महीनों के बाद खरीद रहा हूं, पैसे तो आज ही दे बैठा हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक। दैट मीन्स देयर इज अ सेट ऑफ बिटवीन द टू, देयर इज अ सेट ऑफ बिटवीन द टू। लिखे ये लाइन, विद टोटल परचेज कॉस्ट बीइंग कॉन्स्टेंट, देयर इज अ सेट ऑफ बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट वर्सेस कैरिंग कॉस्ट। बड़ा क्यूट सा लिटिल सा ग्राफ बना लें, क्यूट सा लिटिल सा ग्राफ बना लें, ये है जी मेरी ऑर्डर क्वांटिटी और ये है मेरी रुपीस में कॉस्ट। ये ईओक्यू का ग्राफ बना रहे हो आप, ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी में भी आ सकता है चार नंबर की, और प्रैक्टिकली समझने के लिए तो जरूरी है ही। एक कॉस्ट ऊपर है, एक कॉस्ट नीचे है। मैं बच्चों से बिल्कुल बहुत सीरियसली आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, ऑर्डर करता हूं, जिससे भी आप मान जाओ, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ। जो बोल्ड लाइन ऊपर बढ़ रही है वो कौन सी कॉस्ट होगी, कैरिंग कॉस्ट की ऑर्डरिंग कॉस्ट? जितना ज्यादा ऑर्डर दोगे उतनी वो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, यही तो मतलब है भाई। टीवी चलाते हैं इधर का, जितना ज्यादा ऑर्डर दोगे उतना ही वो कॉस्ट ज्यादा लगेगी। और डॉटेड लाइन ऑन दी अदर हैंड, जितना ज्यादा ऑर्डर दोगे उतनी कम लगेगी। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूं, एक आध बच्चे ने गलत दिया, बाकी सबने सही आंसर दिया। जो इंक्रीजिंग है, जो इंक्रीजिंग है, दैट इज कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, और जो फॉलिंग है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट। आप ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन सर ईओक्यू कहां आ गया इसमें? जिस लेवल ऑफ क्वांटिटी पे ये दोनों मीट करें उसे बोलेंगे ईओक्यू। ईओक्यू मैथमेटिकली ईओक्यू इज दैट पॉइंट वेयर बोथ लाइन्स इंटरैक्ट। Mathematically, EOQ is that point where both lines interact. The total inventory cost. ध्यान से ये बात समझने की अब, the total inventory cost टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट विल बी मिनिमाइज्ड व्हेन ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द K
कैरिंग कॉस्ट। यानी कि एक तरह से अगर ईओक्यू क्वांटिटी पे आप ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो, ईओक्यू क्वांटिटी पे कैरिंग कॉस्ट निकालो, आपकी दोनों बराबर आएंगी। यही एक तरीका है टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करने का। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ईओक्यू से ज्यादा खरीदता हूं एक बार में, हाँ, निर्माण व्यय, अभी बताता हूं, अभी जरा पूरा कॉन्सेप्ट होने दो। कंपेयर्ड टू ईओक्यू लेवल कॉस्ट, we purchase more units at a time, carrying cost, ordering cost। मैं चाहता हूं आप बताएं carrying cost आपकी ज्यादा होगी कि कम होगी EOQ level के मुकाबले, carrying cost बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, जल्दी से बताओ आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी अगर आप ईओक्यू से ज्यादा खरीदने जाते हो। ईओक्यू कहते हैं जी आपको लेट से 25 किलो खरीदना चाहिए, अब आप एक बार में 50 किलो खरीद रहे हो तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी ना बेटा जी, कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ेगी, विल इंक्रीज, और ऑन द अदर हैंड ऑर्डरिंग कॉस्ट विल एक्स्ट्रा यहां पर सेविंग। ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी ना, दिस विल बी मोर देन द सेविंग्स दैट यू विल गेट, देयरफॉर यू विल नॉट। भाई साहब एक जगह फायदा होगा एक जगह नुकसान होगा, लेकिन जहां नुकसान होगा वो ज्यादा नुकसान होगा, फायदा भी होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा। यही तो कर्व की जो कर्व का जो एक स्लोप होता है वो उस तरह से बना हुआ है। बाद में स्लोप बहुत ज्यादा हो रहा है, बाद में बहुत ज्यादा स्लोप है। आप दूसरे सिचुएशन डिस्कस करो, अब आप ही मुझे बताना दोबारा, वो देखो जी बी, अगर मैं ईओक्यू से कम क्वांटिटी परचेज करता हूं, इफ वी परचेज लेसर क्वांटिटी देन ईओक्यू, आराम आराम से आप अपनी कैरिंग कॉस्ट बताना और ऑर्डरिंग कॉस्ट बताना कंपेयर्ड टू ईओक्यू लेवल्स। अभी प्रैक्टिकल करेंगे ना ब्रेक के बाद, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी प्रैक्टिकल करेंगे ब्रेक के बाद। अब बताओ कैरिंग कॉस्ट, सर अब आप सामान कम खरीद रहे हो, कम रखना पड़ेगा, कम पैसा फंसेगा, कम चोरियां होंगी, आपकी कैरिंग कॉस्ट गिर जाएगी, मुबारक हो सर थोड़े पैसे बचेंगे। लेकिन सर अब आपको उतनी बार ज्यादा जाना पड़ेगा, आप छोटा सामान खरीद रहे हो तो बार बार खरीदना पड़ेगा, आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कंपेयर टू ईओक्यू लेवल ज्यादा होगा, जेब से एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। सर तो हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा वो ज्यादा लगेगा जहां सर सेविंग होगी, देयरफॉर
वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ निर्माण विहार कह रहे हैं सर वाई इंक्रीज कॉस्ट इज ग्रेटर देन सेविंग इन द कॉस्ट। प्लीज यहां पर लिख लें द कर्व्स ऑफ दीज लाइंस इज नॉट लीनियर। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है भैया, ये कर्व्स हैं। तो कर्व में स्लोप बदल जाता है ना, शुरू में स्लोप इज लेस, बाद में स्लोप इज मोर। ठीक है जी, ठीक है। हाँ हाँ चलो भाई, लेट्स क्विकली टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड देन टॉक अबाउट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड वो। देखो जी, ईओक्यू लाइफ में एक बार तो इतने अच्छे से पढ़ना चाहिए कि आपके आंख नाक कान खुल जाए। ठीक है, एग्जाम में आसान सवाल आ जाए अच्छी बात है, लेकिन हमें तो मुश्किल के लिए भी तैयार रहना है, मुश्किल के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है ना जी। हाँ निर्माण विहार आपकी बात का जवाब हो गया, दीज लाइंस आर नॉट लीनियर, दीज आर क्वाड्रेटिक, इस वजह से स्लोप चेंज हो जाता है। ठीक है जी, चलिए ठीक, चलिए लेट्स क्विकली टेक अ ब्रेक एंड कम बैक आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है जी, डन, ओके जी, गुड गुड, ब्रेक लगा दीजिए फिर।
अरे भाई साहब लगा दे हैं? स्टार्ट तो स्टार्ट ही है, बिल्कुल स्टार्ट है जी, आ गए वापस आ गए। निर्माण विहार बड़ा पेट पकड़ पकड़ के हंसा जा रहा है, ऐसी क्या बात हो गई, हमें भी बता दो। ठीक है जी, ठीक है, ये क्या लिख दिया तुमने लखनऊ कोड वर्ड में। चलो हम ना बड़े ही इंपॉर्टेंट मोड पे थे, इसलिए अभी गप्पे नहीं मारते, अभी गप्पे नहीं मारते, आ जाओ आ जाओ फटाफट से। पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, पहले अपन ना थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अच्छा मैं भी नारद मुनि की तरह आ गया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कभी कभी ऐसे ही होता है, लीड टाइम जीरो है। हमारा सेंटर नहीं शो हो रहे क्या आपको? रोहतक भाई, रोहतक कहाँ है आज? रोहतक को दिखाओ भाई, और किसे दिखाओ, और भुवनेश्वर को दिखाओ भाई, इन दो लोगों का लगाना कैमरा जरा, रोहतक एंड भुवनेश्वर कैमरा, और अंदर आ जाएं प्लीज। चलो भाई जरा कुछ कुछ बातें लिखें। इंपॉर्टेंट नो, जो बातें समझ ली हैं उन्हीं को लिखवा रहे हैं जी, जो बातें समझ ली हैं उन्हीं को लिखवा रहे हैं। व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग ओब्लिक होल्डिंग कॉस्ट, ऑल द कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू कीपिंग द गुड्स विद यू। एग्जाम्पल आप ऑलरेडी दे चुके हो, एग्जाम्पल नहीं दोबारा लिख रहे भाई, एग्जाम्पल आप ऑलरेडी दे चुके हो। ग्रेटर द स्टॉक लेवल, ग्रेटर द कैरिंग कॉस्ट। जितना ज्यादा सामान आपके पास होगा, जितना ज्यादा सामान आपके पास होगा स्टोर में, उतना ही ज्यादा कैरिंग कॉस्ट आएगी। अमाउंट ऑफ कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाइंग बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, और एवरेज स्टॉक इंटू कैरिंग कॉस्ट इन परसेंटेज। अरे सर ये तो मार्जिनल कॉस्टिंग का ब्रेक इवन पॉइंट वाला फंडा हो गया, यहां पर क्वांटिटी है वहां पर कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट, यहां पर वैल्यू है वहां पर कंट्रीब्यूशन भी परसेंटेज में। बेटा ये मार्जिनल कॉस्ट का नहीं, ये तो वर्ल्ड ओवर फंड है एप्पल टू एप्पल मेंटेन करने का, क्योंकि यहां पर यूनिट होगा तो वहां पर रुपीज पर यूनिट होना पड़ेगा, जिससे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से यूनिट कट जाए और फाइनल आंसर रुपीज में आ जाए। ये तो ग्लोबल यूनिट, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वेयर एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ईओक्यू प्लस जीरो अपॉन टू, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं, अभी रुको जरा, होल्ड ऑन, अभी इसको समझेंगे। मैंने ये एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला कहां से निकाल दिया, जरा इंपॉर्टेंट नोट्स में दूसरा पॉइंट लिख लें भाई। दूसरा पॉइंट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑल द कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑल द कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू प्लेसिंग द ऑर्डर। एग्जाम्पल आप लिख चुके हो इसीलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रहे। OC is fixed
पर ऑर्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर साइज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की, आप एक बार में चाहे 5 किलो दाल खरीदो चाहे 1 किलो दाल खरीदो, ओ स्टैंड फॉर, अरे ओ नहीं बेटा जीरो है ये, जीरो ओ नहीं है बेटा जी, ये जीरो है, निल। अभी इसके ऊपर एक ग्राफ बनाएंगे समझने के लिए, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट पे फोकस करें। ओसी इज फिक्स्ड पर ऑर्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर साइज, दैट मींस आप एक बार में 1 किलो दाल खरीदो चाहे 5 किलो दाल, आपका जो ट्रैवल में पेट्रोल लगना है नॉर्थ कैंपस, तुम्हारा ट्रैवल में जो पेट्रोल लगेगा वो अलग अलग लगेगा कि एक ही लगेगा, अगर आप 1 किलो दाल लेने जाते हो वर्सेस 5 किलो लेने जाते हो? अरे सर जाहिर सी बात है सेम लगेगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ओसी पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ओसी पर ऑर्डर, बड़ी सिंपल सी बात है भाई। भाई एक ऑर्डर को करने में कितने रुपए लग रहे हैं, लेट्स से 25 रुपए, टोटल ऑर्डर कितने हो रहे हैं? डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है टोटल ऑर्डर कितने होंगे? इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू। भाई साहब कितने ऑर्डर में सामान आएगा? सपोज करो मैं आपको इतनी देर से एक ही नंबर बोले जा रहा हूं, आपके घर की दाल, घर की दाल 360 किलो, और आप एक बार में 10 किलो लाने का फैसला करते हो, तो बताना कितनी बार आपको जाना पड़ेगा लेने के लिए? आपने एक बार में 10 किलो लाने का फैसला किया, 360 किलो टोटल लाना है, तो जरा बताना कितनी बार जाना पड़ेगा? 36 बार। एक बार जाते हो 50 रुपए का खर्चा आता है, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 1800 रुपए। इस तरह से आपने काम करना है, इस तरीके से काम करना है। हाँ हाँ घर की दाल पक गई, ठीक है जी ठीक है, दाल पक गई, वेरी गुड, अच्छी बात है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया एक्सेप्ट एक चीज के, ईओक्यू का मेन फॉर्मूला, ईओक्यू का मेन फॉर्मूला मैंने नहीं बताया आपको। प्लीज बच्चे अगली बार जब आप आओगे क्लास में, ईओक्यू में कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए आपकी, ईओक्यू बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। लेट अस टॉक अबाउट ईओक्यू का मेन फॉर्मूला, वो निकालोगे कैसे क्वांटिटी, वो क्वांटिटी कैसे निकलेगी? ईओक्यू क्वांटिटी 2 into एनुअल कंजम्पशन इंटू ओसी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट अंडर रूट। भाई साहब रटना ही पड़ेगा, आप इससे पहले पूछो मैं ही बता देता हूं, आप इससे पहले पूछो मैं ही बता देता हूं। भाई साहब एप्पल टू एप्पल, प्लीज एप्पल टू एप्पल का ध्यान देंगे। आपको ईओक्यू क्वांटिटी में चाहिए तो कंजम्पशन भी क्वांटिटी में होना पड़ेगा और कैरिंग कॉस्ट भी फिर पर यूनिट होगी। सुंदर विहार कह रहे सर ये क्या हो गया, अरे बच्चों वाला तो फॉर्मूला है, कमाल कर दिया सुंदर विहार आपने, कमाल। टू तो सबको पता है, 1+1 कितना होता है? अच्छा आप ही बता दो, ये कोई रटने की बात है? 1+1 कितना होता है ये भी रटोगे? कमाल करती है, 1+1 is 2। और एनुअल कंजम्पशन की तो बात ही हो रही है कि बताओ साल में कितनी कंजम्पशन होगी, 360 दाल, और जाहिर सी बात है अब दो चीजें बची, विच इज ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नोट करी, इस पूरे फॉर्मूले में परचेज प्राइस का कोई रोल नहीं है अभी तक, इसमें इन्वेंटरी कॉस्ट में परचेज प्राइस नहीं आई अभी तक। पता है क्यों?
क्या कोई बता सकता है परचेज प्राइस क्यों नहीं आई? Why hasn't the purchase price come in? आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट के तीन हिस्से थे, परचेज, कौन सा था दूसरा जो मैं कर रहा हूं, ऑर्डरिंग, और तीसरा इज द कैरिंग, क्योंकि सेम रहता है. नो रोल ऑफ परचेज कॉस्ट सिंस अज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट. नो डिस्काउंट, नो इन्फ्लेशन. हमारे कुछ प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा दिमाग लगा के कहा, सर अगर फ्यूचर में वो डिस्काउंट नहीं दे रहा लेकिन इन्फ्लेशन तो हो सकता है. मैंने कहा लो जी ये भी अज्यूम कर लिया, इन्फ्लेशन नहीं है, कॉन्स्टेंट रहेगा. वेरी गुड, सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया, एक्सलेंट स्टफ. मैं अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, प्लीज अब मत रोको मुझे, अब मत रोको. क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ सियालदा, ये सारे जो आपके डाउट है सॉल्व कराता हूँ. एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये तीन कर लो, फिर मैं दोबारा इस कॉन्सेप्ट पे आऊंगा अलग लेवल पे कराने के लिए. अभी तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करें, फ्रीज करा देना भाई. कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, मैं जानता हूं मैंने 3 छोड़ा है डेलिबरेटली, 3 में कुछ नहीं है. अरे निर्माण व्यय निल पे भी आता हूं, करो तो सही एक बार. कह रहा है जी आपके सामने दो रॉ मटेरियल हैं ए और बी, डिमांड है उनकी 2000 बैग और 1280 बैग, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. आप देख रहे हो ऑर्डरिंग कॉस्ट का यूनिट क्या है, रुपीज पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट का क्या यूनिट है, रुपीज पर बैग. यानी कि आपकी कैरिंग कॉस्ट भी क्वांटिटी के रेफरेंस में है, तो ईओक्यू भी क्वांटिटी के रेफरेंस में आएगा. एप्पल टू एप्पल बिठाना है, बात करेंगे, नोट लिखेंगे. आइए जी ए और बी, चलो भाई चलो भाई चलो, स्टेटमेंट बनाए. क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 245, टोटल कंजम्पशन अपॉन ईओक्यू. सियालदा बेटा वो फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, दोबारा ये सारी फॉर्मूले अभी करेंगे, डोंट वरी. स्टेटमेंट ऑफ ईओक्यू एंड डिफरेंट फॉर्मूला, डोंट वरी, जिस बच्चे का जो भी मिस हो गया हो इस सवाल में सब कुछ क्लियर कर लेंगे. डोंट वरी, आ जाओ भाई अपने सारे दुख दर्द भूल के. ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, पर्टिकुलर्स. हमने कहा जी सबसे पहले ईओक्यू, ईओक्यू क्या था हमारा, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट का अंडर रूट. अंडर रूट लगाना मत भूल जाना भाई, 2 इंटू. हमने पूछा भाई ए तुम्हारी टोटल डिमांड कितनी है साल भर में, कह रहे जी 2000. मैंने कहा ठीक है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बताओ, कह रहे सर 1200 रुपए लगेगा एक बार में चाहे कितनी भी क्वांटिटी मंगा लो. और मैंने कहा अच्छा एक प्रोडक्ट अगर तुम साल भर अपने पास रखोगे तो कितना खर्चा होगा, कह रहे जी 480. एक बार सब बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, ये जो 480 है ना इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ये कैरिंग कॉस्ट है सर, इसमें आपका रेंट, इसमें चोरियां, इसमें पिलफरेज, इसमें ऑब्सोलेसेंस, इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट, इसमें इंश्योरेंस, हर पॉसिबल खर्चा इंक्लूडेड है पर यूनिट. पर यूनिट कैसे पता ये पर यूनिट है भाई, ईओक्यू भी तो हम क्वांटिटी में निकाल रहे हैं और ऊपर 2000 भी तो क्वांटिटी में है. चलिए जी बताएं जरा कितना आ रहा है आंसर, एप्पल टू एप्पल तो करना ही पड़ेगा. सर 100 बैग्स आ गए, 100 बैग्स आ गए, इसका मतलब 2000 में से आप एक बार में कितने बैग मंगाओगे,
सिर्फ 100। अब ध्यान देना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ईओक्यू। 2000 में से एक बार में 100 बैग मंगाए तो बताना कितने ऑर्डर प्लेस करोगे? सर 20 ऑर्डर्स। सियालदा बेटा मिल गया आंसर आपको, वो जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो किसका था? ये बड़ा कॉमन सेंसिकल फॉर्मूला है भाई। भाई मैंने टोटल 2000 रसगुल्ले खाने हैं, एक बार में मैं 100 रसगुल्ले लेके आता हूँ तो 20 बार जाना पड़ेगा मुझे। Therefore, total ordering cost is equal to number of orders into ordering cost per order. यही तो हमने लिखा था, बड़ी कॉमन सेंसिकल बात थी। हमने पूछा भाई साहब ये बताओ आपकी टोटल ऑर्डरिंग में कितना खर्चा लगा? आपने कहा सर 20 बार मैंने ऑर्डर दिया। मैंने कहा वेरी गुड, और बताओ? कह रहे सर एक बार ऑर्डर देता हूं तो 1200 रुपए लग जाते हैं। 24000 रुपए लग गए। आप कह रहे सर मैं नहीं मानता, सर मैं नहीं मानता, मुझे यूनिट्स कैंसिल करके दिखाओ। 20 रुपए ऑर्डर्स, 1200 रुपीज पर ऑर्डर। तो ऑर्डर से ऑर्डर कैंसिल, रुपीज में फाइनल आंसर। तो ये 24000 का क्या यूनिट है? रुपीज। बात थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जा रही है जी। रायपुर बेटा जी बात क्लियर हो रही है थोड़ी थोड़ी? चलिए जी धीरे से आराम से कूलली। एवरेज स्टॉक ईओक्यू प्लस 0/2। आपके पास ऑन एन एवरेज कितने बैग्स हमेशा रहेंगे एवरी टाइम? ऑन एन एवरेज कह रहा हूं मैं, ये एवरेज की बात हो रही है। 50 बैग रहेंगे। कैसे? इसको समझने के लिए यहां तक आ जाएं, सब बच्चे मुझे डन लिख के भेजें, फिर मैं आपको एक दूसरे स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में ले चलता। अरे काहे की स्टैटिस्टिक्स बच्चों के लिए, इतना आपने सीपीटी में कौन पढ़ रखा है, आपको कौन सिखा सकता है? डन हो गया, सब बच्चे यहां देखें भाई एक बार। और अब ये बात समझने की है, समझने की है। ये आपका टाइम जा रहा है और ये आपका क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टोर, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टोर। अब आप मुझे एक चीज बताओ, एक केस में एक बार में कितने यूनिट ऑर्डर हो रहे हैं? जल्दी से आंसर बताएं जरा। एक केस में एक बार में कितने यूनिट ऑर्डर हो रहे हैं? एक केस में एक बार में, एक बार में 100 यूनिट। अरे नहीं नहीं सुंदर बिहार रायपुर बेटा जी, एक बार में कितने यूनिट ऑर्डर हो रहे हैं? 100 यूनिट ऑर्डर हो रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर 20 है विच इज फाइन, लेकिन एक बार में 100 यूनिट ऑर्डर हो रहे हैं। एक सेकंड को अब आप रुकना, अब आप रुकना। सपोज करो आपने दिन की शुरुआत की 100 यूनिट से, अब आपका कंजम्पशन हो रहा है, खत्म हो गए बैग्स, खत्म हो गए। अब आप क्या करोगे? अरे सर करेंगे क्या, नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर देंगे। कमाल कर दिया सर आपने, नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करोगे, आने में टाइम लगेगा। नहीं सर, हमने ईओक्यू में अज्यूम किया था तुरंत आ जाएगा, जीरो लीड टाइम। ध्यान से देखना, जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया तुरंत ऑर्डर आ गया। फिर से रॉ मटेरियल की क्वांटिटी स्टोर में कितनी पहुंच गई? 100। फिर आप कंज्यूम कर रहे हो, फिर खत्म हो गया सर। तो ये साइकिल तो बेटा जी चलता जाएगा, समझने की बात है। आपका पहला साइकिल इज दिस, इस साइकिल में ओपनिंग कितने थे आपके पास और क्लोजिंग कितने थे? 0। ऑन एन एवरेज आपके पास हर टाइम 50 रहे। इक्विवेलेंट अ सिचुएशन वेयर ओपनिंग इज 100
एंड क्लोजिंग इज जीरो इज सेम एज अ सिचुएशन यू हैव 50 एवरी डे. यू हैव 50 एवरी डे. यही तो एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है भाई. एक दिन 100 है, एक दिन 0 है, इसका तो मतलब वही हुआ कि हम 50 हर दिन रखेंगे. हाँ सुंदर विहार कह रहा है सर, अगर ईओक्यू में आपने जीरो लीड टाइम आंसर रखा है, अज्यूम करा है, तो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में आप थोड़ा सा पहले ऑर्डर करते हो? ये सारे सवालों के जवाब आपको हम क्वेश्चन के थ्रू देंगे. क्वेश्चन के थ्रू. सुंदर विहार, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट. तो जी हम इस नतीजे पे पहुंचे, साइकिल 2 में भी सेम ट्रेंड देखा गया. स्टार्ट हुआ 100 पे, खत्म हुआ 0 पे. तो 100 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50 यूनिट एवरी डे. मैंने कहा वाह यार, साइकिल 1 में भी 50 यूनिट, साइकिल 2 में भी 50, ऐसे साइकिल 3, साइकिल 4, साइकिल 5. दैट मींस 50 यूनिट्स एवरी डे ऑफ फुल ईयर. ऑफ फुल ईयर आपके पास हर दिन गोडाउन में 50 यूनिट पड़े थे. अब आप जरा मेरी मोटे तौर पे बात समझना. दिस 50 यूनिट इज हाइपोथेटिकल. सर हाउ कैन यू से इट इज हाइपोथेटिकल? अरे बच्चे ये तो इक्विवेलेंट पोजीशन है. असली में इसी दिन 100 थे, फिर 99 थे, फिर 98 थे, ऐसे 60, 61, 58, 57, 0, फिर 100. तो रियल लाइफ में आपके पास ये बैलेंस कमता बढ़ता रहा, लेकिन इट इज इक्विवेलेंट टू अ पोजीशन की हर दिन 50 थे. तो भाई जरा दिखाना जूम आउट करके ये वाली चीज. हमने कहा आपका एवरेज स्टॉक हर एक दिन 50 बैक कर रहा. तो मैंने कहा जरा ये बताओ आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट आखिर आई कितनी? तो आपने कहा सर मेरे पास जितना एवरेज स्टॉक रहा एवरी डे मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये 480 एक बैग को पूरे साल रखने की कॉस्ट है. एक बैग को मेरे पास ऐसे कितने बैग पूरे साल रखे रहे? 50. एक बैग को रखता पूरे साल तो 480 की कॉस्ट आती, 24,000 रुपीज. आप एक बात नोट करो बिना किसी को बताए, EOQ is that level of quantity at which total ordering cost has to be equal to total carrying cost. ये तो हमने मैथमेटिकली भी करा था. अगर इससे थोड़ा भी कम या ज्यादा ऑर्डर करोगे तो जो टोटल खर्चा है ना 48 का, वो बढ़ जाएगा. टोटल खर्चा बढ़ जाएगा. लखनऊ कह रहे हैं सर, सिंस हियर वी आर एट EOQ, तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ इज अ लेवल टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होंगे. एब्सोल्युटली लखनऊ, एब्सोल्युटली राइट. चलिए जी फटाफट से जरा मुझे बता दें आपकी आपकी टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट कितनी हो गई? सर 24,000 प्लस 24,000, ये कैसा बच्चों वाला क्वेश्चन था? अरे भाई कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं. चलिए जी फटाफट से बी का करें, जल्दी से स्पीड में. मैं चाहता हूं बी के लिए आप लीड लें, बी के लिए प्लीज आप लीड लें. मैं आपको एवरेज स्टॉक बड़े अच्छे से समझाया जी, आपको मैंने डायग्राम बना के बड़े अच्छे से समझाया. सियालदा बहुत आगे चल रहा है. सियालदा वेरी गुड, वेरी गुड बेटा जी. चलो आइए जी जरा बी की बातें करें. सब बच्चे अपने हिसाब से करेंगे इसको और पूरी स्पीड से. आपकी डिमांड है 1280 बैग्स की और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1400 की. एक यूनिट को पूरे साल रखने में 560 जाते हैं. तो आपने कहा 2 × 1280 × 1400 / 560 अंडर रूट इज इक्वल टू 80 बैग्स, यानी एक बार में 80 बैग्स आपने ऑर्डर करने हैं. तो भाई बताओ कितने ऑर्डर होंगे? आपने कहा सर 1280 × 80 16 ऑर्डर्स टोटल प्लेस होंगे.
तो आपने कहा भाई 16 ऑर्डर में 1400 के हिसाब से देखा जाए तो मेरी 22,400 रुपीज की ऑर्डरिंग कॉस्ट लग जाएगी। वैसे एक चीज बताऊं, मैं अपनी टोटल कैरिंग कॉस्ट अभी से बता सकता हूं। कह रहे सर कमाल कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया आपने, आपने बिना कैलकुलेशन के सीधा कैसे 22,400 लिख दिया। वो तो कोई भी लिख देगा, वो तो कोई भी लिख देगा, बिकॉज सबको पता है ये बात, सबको पता है ये बात कि एट ईओक्यू ये दोनों बराबर ही होंगे, ये दोनों बराबर ही होंगे। फिर भी हम तो भाई कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज स्टॉक कितना आ गया सर, 80 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40 बैग्स मेरे पास ऐसा हो गया कि डेली थे। आज के तारीख है भाई 5 नवंबर, मैंने अपने गोडाउन का दरवाजा खोला रॉ मटेरियल का, मैंने कहा अरे कितने बैग है, अरे 40 पड़े, ठीक है जी बात। अगले दिन आज मैंने फिर दरवाजा खोला, कहने कितने, अरे 40 पड़े, डेली 40 पड़े रहते हैं ऐसा मैंने माना, किसी दिन 41 होंगे, किसी दिन 39 होंगे, ऑन एन एवरेज 40 मान लिए गए हर दिन। हाँ जी हाँ, चलो भाई चलो, तो 40 इंटू आपका कैरिंग कॉस्ट कितना है 560 इज इक्वल टू 22,500, आपका ये आ गया 44,800 रुपीज। चलिए जी ये बड़ा अच्छा हो गया, हमारा पहला क्वेश्चन बड़े मजे से हो गया। चलिए भाई चलिए एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हम आराम से अपने बाकी 2-3 सवाल करने की पोजीशन में आ चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ईओक्यू कैन बी कैलकुलेटेड इन क्वांटिटी एनुअल कंजम्पशन एंड कैरिंग कॉस्ट शुड ऑल्सो बी इन क्वांटिटी टर्म्स बी वैल्यू सुंदर व्यार मैक्सिमम 8:15 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, मेरे सामने घड़ी है, मेरे सामने ओ मैं तो भूल गया मेरे हाथ में भी घड़ी है, अभी तो आधा घंटा है, अरे बहुत टाइम है, आओ ना। एनुअल कंजम्पशन एंड कैरिंग कॉस्ट शुड ऑल्सो बी इन रुपी टर्म्स मतलब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में, कंजम्पशन रुपीज में, कंजम्पशन यूनिट्स में, और उधर कैरिंग कॉस्ट रुपीज पर यूनिट में। ये भी लिख लें भाई, ये भी जरूर लिख लें, एप्पल टू एप्पल। यहां पर दादाजी को प्रणाम नहीं कर रहे हम, तीनों चीजें बराबर सिंक में होनी चाहिए, फाइनल आंसर कंजम्पशन एंड कैरिंग कॉस्ट। दूसरी और थोड़ी सी द टाइम पीरियड ऑफ कंजम्पशन इन न्यूमरेटर एंड कैरिंग कॉस्ट should be same 99% it will be annual। बच्चे मेरी बात समझना, आपने न्यूमरेटर में फॉर्मूले में ही एनुअल लिखा है, आपने न्यूमरेटर में फॉर्मूले में ही एनुअल लिखा है, मैं कहता हूं ठीक है अच्छी बात है, आपका 99% एनुअल का केस आएगा,
आपका 99% एनुअल का केस आएगा, लेकिन अगर मंथली आ जाए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पैरिटी बना के रखना। अगर कंजम्पशन न्यूमरेटर का पर एनम ले रहे हो, फिर स्टोरेज कॉस्ट भी, कैरिंग कॉस्ट भी पर एनम लेनी पड़ेगी। अगर कंजम्पशन मंथली ले रहे हो कि भाई एक महीने में कितना कंज्यूम करना है, फिर तो आपको कैरिंग कॉस्ट भी पर मंथ लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, हाँ हाँ, अरे ये परसेंटेज इसलिए लिखा है सुंदर विहार क्योंकि रुपीज और परसेंटेज सेम ही तो टर्म्स होती है। परसेंटेज मतलब पर हंड्रेड रुपीज, वो ध्यान है आपको, वो जो ब्रेक इवन परसेंटेज में निकालते थे अपन सेल्स में पीवीआर यूज करके, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हो गई भाई। चलो भाई चलो, हम बातें कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से आइए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज सीखोगे, मैं नहीं बता रहा वो चीज अभी, आप खुद सीखना भाई। कह रहा है जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 4000 यूनिट, द प्रोडक्ट रिक्वायर्स कंपोनेंट एक्स। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, द प्रोडक्ट रिक्वायर्स कंपोनेंट एक्स विच इज परचेज्ड एट ₹20। भाई साहब मुझे एक चीज बताओ, आप अपना ईओक्यू अपने इनपुट पे लगाते हो कि आउटपुट पे लगाते हो? जल्दी से बताओ, आप अपना ये ईओक्यू अपने रॉ मटेरियल पे लगाते हो कि अपने फिनिश्ड गुड्स पे लगाते हो? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, इनपुट पे लगेगा जी ये सब। आप इनपुट खरीदते हो, ऑर्डर तो इनपुट का करते हो ना, वो तो प्रोड्यूस करते हो। आपने तो बजटरी में भी सीखा है ये चीज, आपने बजटरी में सीखा है ये चीज, दैट परचेज इज ऑलवेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स तो प्रोडक्शन करना पड़ता है। हम तो इकोनॉमिक परचेज क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल की बातें कर रहे हैं। यहां पर मुझे पहली लाइन में लिखा गया है जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट, तो ये तो फिनिश गुड्स हो गया, मेरे लिए बेकार की बात है, उसकी मंथली डिमांड 4000 है। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कंपोनेंट एक्स, हाँ ये इनपुट है, ये मेरे लिए काम की बात है, विच इज परचेज्ड एट ₹20। एक फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 4 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। अच्छा ये तो एक तरह से गाड़ी का टायर हो गया। आप जी लिमिटेड एक गाड़ी बनाती है और उसमें एक कंपोनेंट यानी टायर लगता है, हर एक गाड़ी के लिए 4 टायर लगाने पड़ते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 है, होल्डिंग कॉस्ट 10% पर एनम, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। आपको होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन है, आपको होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन है, आपको होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन है, तो एप्पल टू एप्पल क्रिएट करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इफ द मिनिमम लॉट साइज इज सप्लाइड इज 4000, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट द कंपनी हैज टू इनकर। तो चलो दूसरी बात है, क्वेश्चन नंबर 5। हम पता क्वेश्चन नंबर 5 क्यों कर रहे हैं, एप्पल टू एप्पल सीखने के लिए। आइए जी क्वेश्चन नंबर 5 की बातें करें। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर, जूम इन करके चलना भाई, पेज नंबर 245। मेंटेनिंग एप्पल टू एप्पल इज द परमधर्म। मुझे एक चीज तो बताओ, आपको जो डिमांड गिवन है वो मंथली गिवन है कि ईयरली? सर मंथली गिवन है, लेकिन 12 से मल्टीप्लाई करके ईयरली भी बनाई जा सकती है। अच्छा आराम आराम से, हम तो ऐसा करते हैं ईयरली डिमांड लेते हैं, ठीक है सर। तो भाई हमें पता है ईओक्यू इज इक्वल टू 2 इंटू, अब मैं एनुअल ले रहा हूं, कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर। अब सर फंस गए, दूसरा एप्पल टू एप्पल, पहला एप्पल टू एप्पल था कि टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, कैरिंग कॉस्ट तो मुझे पर एनम गिवन थी, लेकिन दूसरी समस्या हो गई सर,
अब सर आंसर अगर तो मुझे क्वांटिटी में चाहिए, भाई यहां जूम इन करें तो कंजम्पशन भी यूनिट्स में चाहिए, दूसरा एप्पल टू एप्पल, एंड कैरिंग कॉस्ट भी पर यूनिट चाहिए। आप मेरे बच्चे दो एप्पल टू एप्पल बिठा रहे हो, ऊपर देखो आप दो एप्पल टू एप्पल बिठा रहे हो, एक तो आंसर क्वांटिटी में चाहिए कि वैल्यू में, उसके हिसाब से कंजम्पशन और कैरिंग कॉस्ट का सेम यूनिट होना चाहिए, दूसरा टाइम पीरियड का, एक तो फॉर्मेट ऑफ यूनिट, दूसरा टाइम पीरियड। नीचे देखें आप एक एक करके उठाओ, पहले टाइम पीरियड देखो। सर टाइम पीरियड हमने एनुअल डिसाइड कर लिया, हम मंथली नहीं ले रहे। चलो ठीक है आपकी मर्जी, आप एनुअल कर लो, आपने एनुअल डिसाइड किया, ओके फाइन। तो ऊपर भी एनुअल कंजम्पशन, नीचे भी पर एनम कैरिंग कॉस्ट। दूसरा सर फॉर्मेट क्या रखें, क्वांटिटी रखें, तो फिर ऊपर यूनिट नीचे भी पर यूनिट। आओ जी आओ, जरा धीरे धीरे आगे बढ़े। टू इंटू, मैंने आपसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपका एक महीने में कितने टायर लगते हैं, आपने मेरे साथ चलना प्लीज, 4000 तो फिनिश गुड्स बनते हैं, ये डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, नहीं इंटू आपका 4 टायर लगते हैं एक प्रोडक्ट में, तो यानी एक महीने में 16000। ये एक महीने की बात हो रही है अभी, और एनुअल आपने डिसाइड किया इंटू 12। देयरफोर ध्यान से समझे, ये 4000 फिनिश गुड्स का था, ये रॉ मटेरियल पर फिनिश गुड्स है, और ये तो मंथ है ही। कितना अच्छा होता सर अगर हमें डायरेक्टली वो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी बता देता। अरे कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, 4000 गाड़ियां थी, 16000 टायर होगा इसका मतलब, इंटू 12। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बता रहे, 120 डिवाइडेड बाय। अब जरा समझे भाई बात, एप्पल टू एप्पल तो बैठ गया, ऊपर पर एनम तो नीचे भी पर एनम, ये 10% इज पर एनम। द ओनली पॉइंट इज सर ये परसेंट में है वो क्वांटिटी में है, ये परसेंट में है वो क्वांटिटी में है, या तो उसको वैल्यू बनाओ या इसको पर यूनिट बनाओ। हमने कहा अच्छा ठीक है चलो मारो गोली, इज इक्वल टू 2 रुपीज पर यूनिट। सस्पेंस खत्म कर देते हैं। 10% कॉस्ट आ रही है ना, 20 रुपए का यूनिट है तो 2 रुपए कॉस्ट आई, इसका मतलब आपने ना एक किराए मकान मालिक से बात की, आपने पूछा भाई साहब कितना किराया लोगे, उसने कहा जी मैं ना 10% पर एनम लूंगा, कितने यूनिट कितने रुपए का है आपका यूनिट, आपने कहा सर 20 रुपए का, कह रहे ठीक है या तो 2 रुपए दे देना या 10% ऑफ वैल्यू दे देना, एक ही बात है एप्पल टू एप्पल, जरा आंसर निकाले। हाँ जी हाँ, अभी दोबारा कई बार समझाऊंगा। इंटू 48 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4800 यूनिट्स। ये आंसर किसमें आया, क्वांटिटी में, या पहले डिसाइड कर चुके थे। आइए जी जरा आगे बढ़े, मैं सेम आंसर निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मैं सेम आंसर निकाल रहा हूं। टेकिंग मंथली टाइम पीरियड, टू इंटू, अब आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मंथली वैल्यूज रखनी है, मंथली, लेकिन सर आंसर तो अभी भी हमें क्वांटिटी में ही चाहिए, ठीक है वो ठीक है भाई। 4000 फिनिश प्रोडक्ट, हमारे 4 टायर एक गाड़ी में, नाउ प्लीज डोंट डू मल्टीप्लाई बाय 12, डोंट डू मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि फिर वो एनुअलाइज हो जाएगा, यानी कि अभी तक ये मंथली चल रहा है, अभी तक ये मंथली चल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय
120 डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दीजिएगा, 10% ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 इज पर एनम। ध्यान दीजिएगा, ये 10% के नीचे कुछ लिखा है, पर एनम, यानी सर ऊपर मंथली है नीचे पर एनम है। ऐसा करते हैं सर, अब अगर ये पर एनम है ना, इसको डिवाइड बाय 12 कर दो, ये पर मंथ हो गया, इसको डिवाइड बाय 12 कर दो, ये पर मंथ हो गया। ओके ठीक है, 1/6 कर लो या 0.167 कर लो, अब निकाल दो आंसर। हम कुछ नहीं कह रहे भाई, आपको आंसर खुद ही बता देगा कि सही हुआ कि गलत। इज इक्वल टू 4800 यूनिट्स, 4800 यूनिट्स। आप चाहे एनुअल से निकाल लो चाहे मंथली से, आंसर तो सेम ही आना है, कोई फर्क नहीं आएगा, डिटो सेम। लेकिन अभी तक आपने दोनों क्वांटिटी में निकाले हैं जी, दोनों क्वांटिटी में निकाले हैं, ठीक हो गई बात? हाँ जी सर, यहां तक तो ठीक हो गई बात। चलो भाई चलो आराम से, एनुअल इज ऑलवेज बेटर। सियालदा कह रहे सर कोई डेसिमल में आ रहा है, बेटा वो पता किस लिए आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर उसे राउंड ऑफ कर दिया। आप ऐसा करो, इसको ना 2/12 मान के करो, इसको पूरा 2/12 मान के करो, फिर बिल्कुल एग्जैक्ट 4800 आएगा, कोई राउंड ऑफ का कोई चक्कर नहीं है। ये आपने राउंड ऑफ कर दिया ना, 16 को आपने 16.666666666 होता है, आपने बड़ी जल्दी कट शॉर्ट कर दिया। आप इसको 1/6 पूरा मान के करो, एग्जैक्ट 4800 आएगा, कोई चांस ही नहीं कि ना आए। रोहतक कह रहा है सर काय को चक्कर में पड़ रहे हो, ऐसा करो ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान देना, द मोमेंट आई विल मल्टीप्लाई बाय 12 इन द न्यूमरेटर, तो सर ये तो बिल्कुल नीचे वाला, इधर दिखाएं, ये तो बिल्कुल नीचे वाला फॉर्मूला हो गया, ये तो बिल्कुल नीचे वाला हो गया। देखो ना, 12 ऊपर था, वो नीचे आके डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी बन सकता है, दोनों चॉइस है 12 के पास। ओए हाँ, तो एक तरह से हम कान तो वही पकड़ रहे हैं, इधर घुमा रहे हैं, कभी कैसे कर रहे हैं। आप पर मंथ करो तो नीचे डिवाइड बाय 12 कर दो। हाँ वही तो सुडाला मैं समझाना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला मैथमेटिकली डिट्टो सेम है। आपको एप्पल टू एप्पल रखना है, टाइम पीरियड वाइज, पॉइंट नंबर टू, टाइम पीरियड न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए, ठीक है जी। हाँ हाँ, निर्माण विहार कह रहे सर परसेंटेज में भी कर दो, अभी करेंगे परसेंटेज में, अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 देखें भाई। हमें बेस्ट तो क्या है, हमें बेस्ट है कि 4800 यूनिट हम ऑर्डर करें, लेकिन वो कह रहा है जी अगर 4000 यूनिट आप एक बार में ऑर्डर करोगे, अगर एक बार में 4000 यूनिट ऑर्डर करोगे तो बताओ कंपनी को फायदा होगा या नुकसान। हमने कहा अच्छा भाई सुन फिर हमारी बात, अगर तू कह रहा है कि 4800 नहीं करने, अगर आप कह रहे हो 4800 नहीं करने, तो फिर आ जाओ हिसाब लगा लेते हैं, एक कॉस्ट में फायदा होगा एक में नुकसान होगा, लेकिन जहां नुकसान होगा वो ज्यादा बड़ी चीज होगी। आपको दो जगह एप्पल टू एप्पल बिठाना पड़ता है, एक तो यूनिट वाइज और एक टाइम पीरियड वाइज, याद रखना एप्पल टू एप्पल एट टू प्लेसेस। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन। हमें बोला गया कि भाई आपको ना 4800 यूनिट, वो आप कह रहे हो आपका ईओक्यू लेवल है, लेकिन आप 4000 यूनिट के हिसाब से करके बताओ उसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक ऑफ इन्वेंटरी कॉस्ट, भाई अपने को ईओक्यू से क्या प्यार, कुछ नहीं, हमारी कॉस्ट कमा जानी चाहिए, खत्म हो गई बात। कॉस्ट अगर ईओक्यू में कमा रही है, हम ईओक्यू ऑर्डर कर लेंगे, किसी और में कमा रही है हम कोई और ऑर्डर कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है।
अरे रुको ना रोहतक, सेंटी हो गए आप तो। यानी सर आज आपने हमारा एक्स्ट्रा क्लास ली थी, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि बच्चों को 8 बजे छोड़ दे। आए हाय, आए हाय, क्या बात कर दी, कर्तव्य। देखो कैसी अंधी फूट फूट के आ रही है इनकी, कर्तव्य बनता है। प्लीज आए, फोकस करें, आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपना दिमाग का चक्र चलाते रहें और लौ पदगामिनी की तरह ना भागें, मतलब रेल की तरह ना भागें। अरे हिंदी है, ट्रेन की होती है लौ पदगामिनी, हमें भी आती थोड़ी बहुत। चलिए जी प्लीज, यहाँ स्टूडेंट यूनियन ना क्रिएट करें। सियाल दा कह रहे हम भी अग्री करते हैं, हम भी अग्री करते हैं रोहतक के साथ, नारे लगाने शुरू हो गए सियालदा में। हाँ सियालदा कह रहे सर चक्कर तो चला रहा है ये। हाँ हाँ हाँ, आइए प्लीज, आइए आइए जी, आइए प्लीज आइए। परचेज कॉस्ट आपने कहा जी, हमें टोटल कितनी क्वांटिटी खरीदनी होती है? 4000 × 4 × 12 192,000 यूनिट, ये हमें खरीदना होता है। मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट कितने का आ रहा है एक्स का, 20 रुपए का, इज इक्वल टू 384 1234। आपके 4000 प्रोडक्ट बनते थे, हमारे 4 टायर लगते हैं, 12 महीनों में इतने टायर लग जाएंगे, 20 रुपए का एक टायर आ रहा है तो इतनी कॉस्ट आएगी। मैंने पूछा यार अगर तुम एक बार में 4000 यूनिट बनाओगे बिना कैलकुलेशन के, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। अगर आपने एक बार में 4000 यूनिट ऑर्डर करे, आपकी टोटल परचेज कॉस्ट कितनी आएगी, देखते हैं किस बच्चे का दिमाग चल रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं आपका डिफरेंट लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर पे आपकी परचेज कॉस्ट कितनी आएगी। रायपुर वेरी गुड सुबह, अरे यार गजब हो गया, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज सर, डिट्टो सेम सर, आप टोटल कंजम्पशन तो उतना ही है 20 रुपए, नो इन्फ्लेशन नो डिस्काउंट, तो यानी कि सर टोटल तो सेम ही रहेगी। इसका मतलब इग्नोर कर देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे एनालिसिस में कोई फर्क नहीं आएगा, यही तो मैं समझा रहा था। कुड हैव बीन इग्नोर्ड, कुड हैव बीन इग्नोर्ड, गलती से फालतू में लिख दिया, आगे से मत लिखना आप लोग, बिल्कुल मत लिखना। पॉइंट नंबर टू, अब आई मजे वाली बात, ऑर्डरिंग कॉस्ट भाई, कितने ऑर्डर आप प्लेस करोगे अपॉन 4800, कितने ऑर्डर हो जाएंगे आपके 192,000 सर, 40 ऑर्डर्स, और एक ऑर्डर में कितना दम निकल जाता है हमारा 120 रुपए, 4800 रुपीज इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। चार हजार ना आपका जो फाइनल आउटपुट है उसकी डिमांड है, पर फाइनल आउटपुट थोड़ी आपने परचेज करना है, आपने तो उसमें लगने वाला रॉ मटेरियल परचेज करना है, और कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट था एवरेज स्टॉक था हमारा 2400 टायर्स एक टायर पूरे साल 2 रुपए। अरे सर हाँ आप ठीक कहते थे, EOQ भी तो बराबर आ गया। अरे रुको ना अभी नॉर्थ कैंपस बात करता हूँ, उस पे आ रहा हूं मैं। आपके 40 ऑर्डर थे, आपके 40 ऑर्डर्स थे,
आओ जी आओ। अब अगर सर आप एक बार में 4,000 मंगा रहे हो तो कितने ऑर्डर्स हो गए आपके? 192,000 डिवाइड बाय 4,000 टाइम, तो सर आपके फिर ना 48 ऑर्डर्स हो गए, और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 के हिसाब से 5760 रुपीज इंक्रीज इन ऑर्डरिंग कॉस्ट बाय 960। और ये बात तो मुझे पहले पता थी ना, अगर मैं अब छोटी क्वांटिटी मंगाऊंगा तो बार बार मंगाना पड़ेगा, 8 मोर ऑर्डर्स, मेरे 960 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, मेरे 960 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं, कहीं खर्चा है तो कहीं सेविंग भी होगी। हाँ सर, सेविंग होगी, क्योंकि एवरेज स्टॉक थोड़ा सा गिर जाएगा, 2000 यूनिट हो जाएंगे इंटू टू। ओए होए सर, आप सही कह रहे थे, 4,000 रुपए ही हो गए, 4,000 रुपए ही हो गए। दैट मीन्स फॉल इन द कैरिंग कॉस्ट बाय 800 रुपीज। अब जो मैं आपसे बात पहले कहता था कि अगर ईओक्यू से कम मंगाओगे कहीं फायदा होगा कहीं नुकसान होगा, लेकिन होने वाला नुकसान 960 इज मोर देन होने वाला फायदा। ये आपका नुकसान है, ये आपकी सेविंग है। इंक्रीज इन ग्रेटर देन, देयरफॉर वी विल रिजेक्ट द ऑफर। भाई आपको नेट 160 का नेट लॉस हो रहा है, आप क्यों ये काम करोगे? व्हाई वुड यू डू दैट? ठीक है जी, बात बिल्कुल डन हो रही है। हाँ जी सर, आइए जी, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स लिखें। पहला, द ईओक्यू मॉडल हैज टू बी अप्लाइड ऑन इनपुट, नॉट ऑन फाइनल प्रोडक्ट। द ईओक्यू मॉडल हैज टू बी अप्लाइड ऑन इनपुट, नॉट ऑन फाइनल प्रोडक्ट। इन क्वेश्चन 5, 4,000 वॉज डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स, बट कंजम्पशन फॉर RM 16,000 पर मंथ। तो आपने अपने RM पे लगाना है, अपने RM पे लगाना है, एंड फॉर पर एनम आपने अपने RM पे लगाना है। भाई साहब क्लियर हो गया जी? किसी ने पूछा था कि ये 4,000 क्या है, ये 4,000 बेटा जी फिनिश गुड्स की डिमांड है हमारी। ठीक है जी, वी नीड टू मेंटेन एप्पल टू एप्पल इन टू वेज, टाइम पीरियड यूनिट ऑफ आंसर। हम छठा सवाल नहीं उठा रहे, हम छठा सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन
चीज एक बहुत बड़ा सा बॉक्स बनाए। उसके चार बराबर हिस्से कर दें। मंथली, एनुअल, क्वांटिटी, वैल्यू। ये चार ही तरीके से योग्य निकल सकता है। अरे रुको ना सुंदर बिहार, रुको, कहां जा रहे हो यार ऐसे थोड़ी। कह रहे सर ये सब तो आपने निकाल दिया। इज इक्वल टू 2 into एनुअल क्वांटिटी इज 192,000 यूनिट्स। एंड आपकी, भाई सिर्फ इसको दिखाएं, और आपकी कैरिंग कॉस्ट भी। अब क्योंकि क्वांटिटी की बात है तो 2 एनुअल में 2 रुपीज पर एनम पर यूनिट। इस 2 का क्या यूनिट है, कंपाउंड है। एक तो ये पर एनम है, दूसरा पर यूनिट है। 2 रुपए एक यूनिट पे लगेंगे, और ये किराया एक महीने का नहीं है, पूरे साल का है। अच्छा अच्छा अब समझे सर। होटल में जैसे आपने हमें बताया था कंपाउंड यूनिट होते हैं, ऐसे ये कंपाउंड यूनिट है। 4800 यूनिट्स आएंगे। भाई देखो आउटपुट तो क्वांटिटी में ही आएगा। अगर सर हम एनुअल में और वैल्यू टर्म्स में निकालें तो अब वैल्यू हो रही है, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू हो रही है आपके 192,000 यूनिट। 120 रुपए का है, 192 120 रुपए का, तो टोटल 38,40,000 रुपीज की कंजम्पशन होगी। अब क्वांटिटी नहीं, अब वैल्यू चाहिए न्यूमरेटर में भी। 120 तो जो है सो है ही ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर अब ऊपर वैल्यू तो नीचे परसेंट होना चाहिए। 10% पर एनम, 10% पर एनम। सर वाई पर एनम, भाई हम एनुअल वाले में और ऊपर भी तो एनुअल कंजम्पशन है। सर वाई परसेंट, भाई हम वैल्यू टर्म्स में निकाल रहे हैं, ऊपर रुपीज में है। दो जगह एप्पल टू एप्पल, बड़ी संभाल के चलने वाली बात है भाई। गलती होने में एक मिनट लगेगा। इज इक्वल टू आंसर कितना आ रहा है, 96,000। आंसर कितना आ रहा है सब बच्चों का, 96,000। बड़े आराम से सोचना सर, इसका यूनिट क्या लिखें, रुपीज। इसका यूनिट रुपीज। क्या सर हम इसको रिकंसाइल करा सकते हैं एक सेकंड में। 4800 इज द ईओक्यू क्वांटिटी और 20 रुपए का एक, तो टोटल ऑर्डर वैल्यू कितनी हो गई, 96,000 जो कि हमारी आ रही है। अरे हाँ वही तो बात है, ईओक्यू इज क्वांटिटी, इतना मंगाओगे सबसे अच्छा रहेगा, और उस ऑर्डर की क्या वैल्यू होगी, 96,000 रुपीज। सियालदा पूछ रहे सर ये 10% कहां से आया। बेटा सियालदा, भाई दिखाएं सियालदा को, ये 10% दिखाएं, ये रहा। एंड द होल्डिंग कॉस्ट इज 10%। वो तो क्योंकि मुझे क्वांटिटी में चाहिए थी चीजें, मैंने इस 20 रुपए की चीज से पूछा भाई तेरे को रखने की कितनी कॉस्ट आएगी 10% पे। कह रहा जी मेरी वैल्यू 20 है, इंटू 10% कर दोगे तो पर एनम रुपीज पर एनम मेरे लगेंगे एक यूनिट पे। ठीक है जी, आइए जूम आउट करें। अब कह रहे सर आप मंथली में कैसे करें, मंथली में डिट्टो सेम क्वांटिटी में भाई, बड़े आराम आराम से चलना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर आपको पता है मंथली आपकी डिमांड 16,000 टायर्स की है। बस 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 एक मिनट, ये दूसरा रह गया, ये दो करके छोड़ रहे। आपको पता है मंथली डिमांड आपकी 16,000 टायर की है। अब पॉइंट टू बी नोटेड जो डिनोमिनेटर है, ये जो 2 रुपए थे, ये है तो पर यूनिट नो डाउट, लेकिन पर एनम है। तो सर इसको ऐसा करते हैं, डिवाइड बाय 12 कर लेते हैं, ये पर मंथ बन गया। बस फिर वही बात हो गई, 4800 यूनिट्स, कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक। इज इक्वल टू सर वही चीज अगर हम वैल्यू टर्म्स में देखें तो 16,000 टायर 20 रुपए का एक, तो 3,32,000 रुपए का सामान आना चाहिए। अब रुपी टर्म्स में बातें हो रही हैं, कंजम्पशन भी रुपी में, आंसर भी वैल्यू में, और डिनोमिनेटर में भी जो टर्म है वो भी आपकी परसेंटेज में। लेकिन इसमें एक कमी है, कोई बता सकता है इसके डिनोमिनेटर में क्या कमी है? जल्दी से बताइए भाई, इस स्टार के डिनोमिनेटर में क्या कमी है? जल्दी से बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है इस स्टार के डिनोमिनेटर में? सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया, अरे सर ये परसेंट तो ठीक है, हमें चाहिए वैल्यू, तो परसेंट वाला हिस्सा तो ठीक है, लेकिन सर पर एनम नहीं अच्छा लग रहा। कोई बात नहीं, डिवाइड बाय 12 कर दो, कोई बात नहीं, एप्पल टू एप्पल, दो वजह से 2 × 3,20,000 × 120 डिवाइड बाय 10% इंटू 12 अंडर रूट इज इक्वल टू 96,000 रुपीज, विच इज नथिंग बट 4800 यूनिट्स बेटा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऊपर। सुंदर भैया मैं आपको चारों चीजें करके बता रहा हूं, आप एनुअल भी कर सकते हो, मंथली भी, आप क्वांटिटी भी कर सकते हो, वैल्यू भी। मैं आगे से अपने बच्चों में ये इतनी स्ट्रेंथ चाहता हूं कि चारों में से कोई भी करने को आ जाए। आप लोगों के हाथ पैर ना फूले, आप लोगों के हाथ पैर ना फूले। परसेंटेज वाला निर्माण व्यय दोबारा समझे, आपका जो एनुअल कंजम्पशन होता है, एनुअल कंजम्पशन वो वैल्यू टर्म्स में है, इसका यूनिट बताएं रुपीज। तो नहीं नहीं, इसका तो यूनिट है, इसका है रुपीज, सिमिलरली इसका है रुपीज। अब जब ऊपर रुपीज में है तो नीचे भी पर रुपी होना चाहिए, तो 10% का क्या मतलब है? 0.1 पर रुपी। सोच के देखो आप, व्हाट डू मीन बाय 10%? एन पर 100 और 0.1 पर रुपी, 1 रुपए पे 10 पैसे, ऊपर भी रुपए में नीचे भी रुपए में। हाँ भाई, हमने पूछा है किराया कितने टाइम पीरियड का, कह रहे जी 1 साल का किराया है। मैंने ऊपर पूछा कंजम्पशन कितनी है, कह रहे 1 साल की। मैंने कहा ठीक है, टाइम पीरियड वाइज पैरिटी है। मैंने इधर देखा, मैंने कहा ये अब अगर 1 साल का किराया है तो यहाँ तो हमें मंथली किराया लेना है, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, तो फिर डिवाइड बाय 12 कर दो। ठीक है जी बच्चे, आपको ना बहुत स्ट्रेंथ रखनी है ईओक्यू में। आप मान के चलो 90% चांस है इसमें से आने का। और हाँ जी, जूम आउट कर दें, और एक और बात बता दूं, एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूजिंग ही आएगा, जिसमें कोई चीज पर मंथ होगी तो कोई पर एनम, आपको पेरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। कोई चीज क्वांटिटी में गिवन होगी, कोई परसेंटेज में, आपको पेरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट फॉर टुडे, आपको एप्पल टू एप्पल दो तरीके से रखना पड़ेगा, एक तो टाइम पीरियड वाइज और दूसरा आपको यूनिट वाइज। हाँ भाई 8 बज गए, आज का प्रॉमिस था जल्दी घर जाने छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ दिया जी आज, पक्का पक्का हर हालत में। चलो जी टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय। और अब हम मिलेंगे कल, हमारी एक्स्ट्रा क्लास है 5 to 8, ठीक है जी। 5 to 8 में मैंने ईओक्यू अच्छे से खत्म करना है,
और स्टॉक लेवल्स कराने हैं, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सो प्लीज डोंट मिस दिस क्लास, बी ऑन टाइम, सी यू टुमारो एट 5 PM। ठीक है जी। निर्माण विहार, परसों वाली बात, निर्माण विहार, बेटा जी मैंने यहाँ पर रजिस्टर करा दिया, वो कह रहे हैं सोचते हैं इसका क्या कर सकते हैं। मैंने कहा जल्दी सोचो, बच्चों को जवाब देना है। कह रहे हैं हाँ गलत जवाब नहीं दे सकते इसलिए कह रहे हैं हमें 1-2 दिन की मोहलत दो, अब ये सोच के बताएंगे। ठीक है निर्माण विहार, तो जैसे मुझे पता चलेगा, मुझे क्या अब तो रोज ही मिलना है अपने को, अब तो रोज मिल रहे हैं ट्यूजडे और संडे छोड़ के, तो जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। डन है जी, पक्का पक्का, एकदम कूल फ्रेंडशिप। ठीक है जी, डन। तो फिर चलिए अब हम मिलते हैं कल 5 PM। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।